एक जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती है ना राजा का बेटा राजा बनेगा जैसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट आपके साथ लोगों ने जोड़ा जाहिर सी बात है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैसे भी पसंद नहीं करते वो मुझे पसंद तो करेंगे नहीं क्या अभी जब आप कैंपेन करते हैं या उसके पहले की जब आपकी पॉलिटिक्स रही है प्री ट्वेंटी उसमें कभी ये जिक्र आया या कभी आपके प्रतिद्वंदियों ने ये सवाल आप पर उठाया आप भी तो एनडीए के साथ जाके मंत्री बने थे वो तो हर हर मतलब उनके हर तकरीर में इसका जिक्र होता है कश्मीर के वो सारे नेता जो 370 के एब्रोगेट किए जाने से खफा थे और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे डेमोक्रेटिक तरीके से वो साथ में एक मंच पे आए फिर अब गुप्कार अलायंस का कोई नाम लेवा ही नहीं दिखता हमारे लिए गुप्त अलायंस एक इलेक्ट्रोल अलायंस था कई से मुलाकात हुई आपकी कि कितनी हेल्दी बातचीत है आप लोग के बीच में बातचीत हम ज्यादा करते नहीं है तीन क्या नहीं हटना चाहिए था तीन अहम उसका एक पिलर है। शायद उसके बिना जम्मू कश्मीर जो है इस मुल्क का हिस्सा नहीं बनती तीन वापस आएगा जल्दी में नहीं होगा अगर होगा भी तो बहुत वक्त लगेगा मैं तीन पे इसलिए भी बातचीत कर रहा हूँ उमर साहब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं आप एक राज्य को बंधक बना के नहीं भी रह सकते हैं आपको चुनाव करवाने होंगे वहाँ इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूद टिप्पणी भी की थी वो टिप्पणी ये थी कि वो 370 अस्थाई फेसा उसको हटना ही था से हम आम तौर पे मानते हैं कि 15th अगस्त 1947 दो मुल्क पैदा हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान लेकिन हकीकत में तीन मुल्क पैदा हुए 370 के बाद के नॉर्मलसी को नापने का उमर अब्दुल्ला के लिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यार्ड किया क्या पीस आया है जिन लोगों को इस पिछले पाँच छः सालों के दौरान गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर के जेलों के बाहर रखा हुआ है अगर वो छूट के वापस आ जाएं, क्या हालात इसी तरह नॉर्मल रहेंगे क्या ये नॉर्मल सी उनकी गिरफ्तारियों का नतीजा है अगर है तो फिर लोगों के दिलों में कोई खास बदलाव आया नहीं है तो आप जिस आदमी के हाथों पाँच अगस्त वो तीन का सारा हुआ उसके बारे में मैं कम ही कहूँ तो बेहतर है। वो तो ये कहते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था मुझे एन मोमेंट बताया गया मैं मानने के लिए तैयार हूँ उनको पता नहीं था दस्खत क्यों किया तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप अपने स्टैंड पे कायम है इंजीनियर को लेकर आप जैसा बोलते हैं उसका नोशन आता है कि अरे ये तो बीजेपी के रहमो पे बाहर आए हैं यू में कितने लोगों को बेल मिलता है आज हम उन लोगों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी तारीख भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई एक बड़ा हिस्सा बार बार चिंता जाहिर करता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अत्याचार है और आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुझे जितना करना चाहिए था मैं उतना नहीं कर पाया हाँ लेकिन मौजूदा हुकूमत से ज्यादा हमने किया बहुत सारी सीटों पे एन और कांग्रेस आमने सामने खुद एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस चर्चा में कितना सच सच्चा इसमें थोड़ी सी सच्चाई तो है अब नए वे एल से कितनी बार मिले हैं मनोज सिन्हा जी से एक शादी में ज़रूर मिला हूँ उसके अलावा शायद एक बार एयरपोर्ट में उसके अलावा कैसे हैं वो ऐसे पर्सन आप कैसे लगे थोड़े से मतलब हटके रहते हैं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो 20-25 मिनट श्रीनगर की सड़कें बंद की जाती हैं जितना तो मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखा जितना मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए देखता हूँ जब आप सीएम के तो इतना इन दिनों खबर बने पिछले दो हफ्ते में क्या लगता है आपको लगता है कि इनकी फांसी का कोई फल नहीं निकला जो हुआ सो हुआ मेरे जवाब देने से वो वापस नहीं आएंगे गाना गाते हैं आप पिताजी गाते हैं आपके गाना नहीं गाते मैं गाना नहीं गाता कोई तो होता है कभी कभी गाते हैं वरना मैं पूछता है कि सुना दीजिए ऐसा नहीं <laughs> नहीं वो इसलिए मैंने पहले <laughs> जो मैंने इसलिए पहले ही जवाब दिया ना क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कहता आज ही मैं गाता हूँ तो आप कहते चलिए फिर गा के सुना अरे कैमरे इसलिए कहा ना मुझे भी बीस पच्चीस साल हो गए ये करते हुए <laughs> This room actually looks better with the furniture arranged like this. You guys have made the room look nicer. Did we? Huh? अच्छा या इट इज़ नॉट नॉर्मली इट लुक्स बेटर क्योरिटिक होता है बहुत <laughs> बहुत ज़्यादा ओके okay. हां uh. और ये मा... ये लैम्पे वैम्पे तो वैसे चलती नहीं थी पता नहीं कैसे चला दिया यहां पे यूजुअली क्या होता है इस कमरे में नहीं बट इट्स नॉट क्वाइट लेड आउट लाइक दिस नमस्ते मेरा नाम सिद्धांत है लल्लन टॉप इस समय जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर में हम इस समय बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब के साथ कैसे हैं? मैं ठीक हूं ना आप, आप कैसे हैं मैं एकदम बढ़िया हूँ मैं बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ आपसे पूछिए ना आप थोड़ा व्यस्त हैं इन दिनों मैं हूँ व्यस्त लेकिन इलेक्शन में उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है ना अच्छा ये बताइए कि इतने सारे इंटरव्यू हो रहे होंगे इधर बीच बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे मैं देख रहा था नहीं नहीं इतने सारे नहीं पार्लियामेंट में मैंने ज़्यादा दिए और आ, आ, मुझे लगा कि ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने का वैसे भी कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं आ, तो इस बार आ, मैं कम ही कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ वहाँ दूँ जहाँ ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाएँ अच्छा और कितना कम्फर्टेबल है इंटरव्यूज़ को ले आप कितना कंफर्टेबल मतलब अब बीस पच्चीस साल तो होगा ही देते देते कोई ऐसा इंटरव्यू जो एकदम वर्स इंटरव्यू आपका जो आपको यू डोंट वांट टू पीपल टू वॉच ऐसा कोई इंटरव्यू आपका अगर है तो मैंने खुद भी नहीं देखा होगा <laughs> <laughs> मैं वैसे भी अपने इंटरव्यूज कम ही देखता हूँ अगर आ जाते हैं तो मैं म्यूट कर देता हूँ नहीं मुझे वैसे तो हो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होंगे जो मुझे शायद इतने नापसंद हो कि मैं खुद ही उनको अब भूल गया हूं और उनको यहाँ दोहरा के मैं वो गलती नहीं करूँगा <laughs> दुन, शुरू करेंगे ओके और जो अभी के इंटरव्यूज की बात करें जो पिछले आठ दस दिन से चल रहे होंगे आपके इंटरव्यूज मैं कुछ इंटरव्यूज पढ़ भी रहा था और देख भी रहा था देर आर सो मेनी ऑफ क्वेश्चन किसी इंटरव्यूअर के लिए इन हालात में नए सवाल खोज के निकालना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ या पहली मतलब मुझे सियासत में आए हुए कुछ दिन हो गए तो मेरे बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं मुझे जैसे मैंने कहा बीस पच्चीस साल तो हो गए ज़्यादातर सवाल मुझे मुझसे किए गए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं उनके जवाब भी दे दूँ अच्छा इस इंटरव्यू में कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हम जो बात ना करें आपसे तो आप लगेगा ठीक है बहुत बात हो गई उसके बारे में वो जवाब अगर उस तरह का कोई सवाल आ जाएगा तो मेरा जवाब भी वैसा ही होगा ओके okay. ठीक है कैंपेन कैसा चल रहा है आपका अभी फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है इधर ही रख दीजिए आप फ्रेम में आ जाएंगे ना ऐसे तो हम लोग ऐसे उठा लेंगे दे ही दीजिए अच्छा लाइए उठा लें हाँ थैंक यू आप नहीं लेंगे कॉफ़ी नहीं मैम क्या आप क्या चाय या कॉफी में क्या प्रेफर करते हैं मैं दोनों लेकिन शाम को नहीं शाम को नहीं ना क्योंकि तीन चार बजे के बाद अगर मैं चाय या कॉफ़ी पी लूँ फिर रात को मैं सो नहीं पाता हूँ बिल्कुल अच्छा। भी और कैंपेन के दौरान आपका आपकी वर्जिश हो पाती है कि नहीं क्योंकि सुबह आप रनिंग करने जाते हैं।, हैं।, हैं मैं जाता हूँ सुबह कोई साढ़े सात पौने आठ के आस पास कहाँ जाते हैं यहाँ गोल्फ कोर्स अच्छा कितने देर की रनिंग होती है आधा पौना घंटा छः सात किलोमीटर करके वापस आ जाता हूँ अच्छा और जिम वगैरह जिम की फुर्सत कहाँ ना आप जिम में तो कम से कम घंटा एक तो चाहिए होता है जिम की फुर्सत है नहीं तो आधे घंटे में अपना रन निपटा लेता हूँ उसी से थोड़ा सा वक्त मिल जाता है ना मैं अपना दिमाग सेट कर देता हूँ क्योंकि वो वक्त मेरा होता है ना फोन बचता है ना कोई बात मेरे साथ बात करने के लिए तो फिर मेरे साथ दौड़ना भी पड़ेगा <laughs> और वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग मेरे साथ दौड़ना पसंद करेंगे तो वो वक्त मेरा होता है मैं उस दौरान पिछले दिन का थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ आने वाले दिन का थोड़ा उसको सेट करता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या बोलना नहीं बोलना कुछ सुनते ऊनते भी हैं दुकान में रखता हूँ लेकिन ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाता नहीं है वो बैकग्राउंड के लिए होता है

तो ये मुझे बार बार सेट मेफाल की तस्वीर मुझे बार बार इसका चेहरा आपका ना से, से, सेट में मेफालने से थोड़ा मिलता हुआ लग रहा है इसमें चलिए अब मुझे इंटरनेट पर उसको खोज के देखना पड़ेगा मैं आपको फोन नहीं में नहीं मैं मैं कर लूंगा बाद में कर लूंगा किसी ने बोला कभी आपको ऐसा नहीं आप पहली बार मुझे ऐसी बात कर रहे हैं मैंने मैं फैमिली गाय का फैन हूँ इसलिए मैंने मैंने ज्यादा देखा नहीं फैमिली गाय लेकिन अब मैं जाके उसको गूगल पे खोज के निकाल लूंगा चलिए अः इस इंटरव्यू में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे इधर की जीवन के भी बातचीत करेंगे आपके तो पॉलिटिकल आप करियर में भी जो भी उतार चढ़ाव आए उस पर भी बातचीत करेंगे कैंपेन की हम लोग बात कर रहे थे फारूक साहब अभी कैंपेन में कितना एक्टिव है क्योंकि हम लोग जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी एन की कमान एक तरह से दिखता है जो चश्मदीद तरीके से लोगों को दिखता है कि उमर साहब के हाथ में है फारूक साहब की एज भी हो गई है और वो उतना ज्यादा निकलते नहीं है इस उम्र में डॉक्टर साहब के लिए रोज़ छः छः आठ आठ प्रोग्राम करना मुनासिब नहीं है लेकिन आज सुबह साढ़े नौ दस बजे घर से निकले होंगे और अब वापस लौटे तीन कॉन्स्टिटेंसियाँ कवर की उन्होंने मेरे खुद के जो मेरा क्षेत्र गांधरबल वहाँ मेरे लिए तीन प्रोग्राम तीन या चार प्रोग्राम करके आए फिर मेरे एक और साथी के यहाँ प्रोग्राम करके पुलवामा ज़िले में पामपोर गए वहाँ प्रोग्राम ख़त्म किया वापस आए अब इंटरव्यू दो तीन हैं, तो मुझे नहीं लगता है एक डेढ़ घंटे से पहले वो फारक होंगे तो आज भी मतलब काफी काफ़ी उनका दौड़ धूप रहता है आप उनको फील्ड में ऐसे पब्लिक के मीडिया के सामने डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा और घर में डैड हाँ घर में तो मैं उनको डॉक्टर साहब नहीं कहता हूँ घर में तो, तो बाहर में डॉक्टर साहब ये बाहर के लिए महदूद हाँ, हाँ वो पार्टी के लीडर हैं मेरे मेरे मतलब बॉस हैं हाँ। अच्छा आ, मैं आपको उमर साहब कह के बुलाऊं चलेगा नहीं आप उमर ही कहते तो नहीं नहीं उमर साहब कहता हूँ या उमर जी कहूँगा मैं दरअसल यूपी से आता हूँ ना तो वहाँ पे नाम के आगे कुछ लगा के बोलना सही होता है अच्छा लगता है ठीक किसी के नेता के लिए तो भैया हाँ, दीदी नहीं वो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा होता है हम हाँ, के ठीक, नहीं ठीक है ना, तो जैसे आप जैसे आपको ठीक लगे तो ये बताइए आप एक आपका खानदान जो है पूरा परिवार जो है उसकी एक अपनी राजनीतिक हिस्ट्री रही है ठीक है आ, आपके दादा पिताजी और आप मैं आपको पॉलिटिक्स के सवालों की तरफ इस तरह से पुल करना चाह रहा हूँ इस पूरी बातचीत को कि मैं ये समझ सकूं कि आपने अपने घर में किस तरह से राजनीति देखी जब आप छोटे थे दादाजी के जमाने से मेरी आ, अपने दादा को लेके सियासी जो यादाशें हैं ज्यादा नहीं है अच्छा क्योंकि मैंने मतलब सियासी उनके साथ कोई ज्यादा प्रोग्राम अटेंड नहीं किए दो चार जो मैंने देखे कभी ईद पे उनके साथ नमाज के लिए आ, कभी मतलब श्रीनगर के आसपास एक दो प्रोग्राम लेकिन मैं ज़्यादा उनके साथ सियासी प्रोग्रामों में गया नहीं नहीं गया नहीं घर में तो बातें होती होंगी घर में तो मतलब मैं सात या आठ साल का था मेरे साथ कौन सी सियासी बातें होनी थी बातें तो होती रहती हैं मतलब हम सुन बैठ के सुनते थे क्योंकि एक हमारे ख़ानदान में एक रिवायत रहती थी कि शाम को आ, सारे घर वाले आ, मेरे दादा के घर जाके वहाँ जमा होते थे तो सारे मेरे फादर उनकी उनके भाई बहन पूरा बच्चे कुल मिला के सारे बच्चों को तो फिर कहा जाता था जाओ बाग में खेलो ये करो वो करो और जो बड़े होते थे घर के वो बैठ के फिर आ, दिन के हालात सियासी हालात दुनिया भर की खबरें उस पर फिर बातचीत होती थी बीच में रेडियो चलता था ऑल इंडिया रेडियो रेडियो कश्मीर के जरिए खबरें सुनी जाती थी फिर उस पर तबसरा होता था एक्सक्यूज <laughs> मी तो ये सिलसिला चलता रहता था वहाँ पर रोज शाम को तो सियासी चैप्टर ज्यादा अपने पिताजी के साथ देखा आपने वो तो जाहिर सी बात है लेकिन उसमें भी इतना कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा तो साल के आठ महीने तो मैं घर में था ही नहीं चार महीने घर में होता था बीच में पढ़ाई भी करनी छुट्टियाँ होती होंगी तब आते होंगे मैं छुट्टियों में आ जाता था गर्मियों में डेढ़ महीना और सर्दियों में कोई दो दो महीने दस दिन तो यही मेरा वक्त रहता था घर में तो मिस करते हैं कि बोर्डिंग के बोर्डिंग में समय बीत गया बचपन घर में बीतना चाहिए था ऐसा एक तरफ से मिस करता हूँ लेकिन दूसरी तरफ से मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वहाँ जाके मतलब सियासी दुनिया से बाहर रहा आ, मैं मतलब मुझे किसी ने ये देख के मतलब मेरे साथ किसी का तरीका ये नहीं रहा कि इनके फादर चीफ मिनिस्टर हैं तो इनके साथ अलग से जो है बर्ताव करना चाहिए या कोई टीचरों के तरफ से कोई लिहाजदारी नहीं रही किसी ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया कैसा लिहाज चाहिए था मतलब बदमाशी करते थे आप स्कूल में हम मैं करता था जितना करना चाहिए था करता था हद से ज्यादा नहीं लेकिन करना चाहिए ना अगर बचपन में बदमाशी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे जो बदमाशी करनी है वो शुरू शुरू में करनी चाहिए तो की आपने और थोड़ी बहुत तो की उसका मतलब ऐसा लिहाज नहीं किया कि पापा चीफ मिनिस्टर तो, बदमाशी की उसके लिए मार भी खाई अच्छा सजाएं भी मिली घर में कभी मार खाई घर में कम लेकिन बीच बीच में कभी कभार कौन मतलब मार खाने किससे खाई मैंने माँ से ज्यादा माँ से ज्यादा खाई अच्छा वालिद साहब थोड़े मसरूफ रहे ना काम सियासत, सियासत उस में उसमें आप राजनीति में आना चाहते थे कि नहीं अपनी मर्जी से आया शुरू शुरू में तो मुझे शायद लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगा हाँ ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप शुरुआत में बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं थी कि आपकी राजनीति में जाऊँ मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आऊंगा और वैसे भी जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे थे कि राजनीति के बारे में सोचना भी बेवकूफी थी आ, क्योंकि नब्बे से छियानवे तो यहाँ कोई खास राजनीति रही नहीं यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब थे फिर चुनाव हुआ था था थोड़ी सी सियासी छियानवे के बाद चुनाव हुए फिर सियासी थोड़ा माहौल बना और फिर उसके दो साल बाद मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जब आप धीरे धीरे जी जब आप धीरे धीरे राजनीति में आ रहे थे तो पिताजी से कैसा समर्थन मिल रहा था पिताजी कैसा सम्... क्या समझा रहे थे क्या सिखा रहे थे नहीं बीच बीच में जहाँ गलती हो रही थी वो मुझे समझाते थे लेकिन उनका बड़ा अच्छा तरीका ये था कि वो चाहते थे कि मैं अपनी गलतियों से खुद सीखूँ कि वो जानते थे कि बेहतर होगा कि मैं एक आध गलती करूँ और उस गलती का जब मुझे एहसास होगा तो जाहिर सी बात है मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं उन्होंने आ, कभी मतलब ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की आ, कभी किसी चीज़ पर डांटा नहीं समझाने की कोशिश की और जहाँ जहाँ मुझसे गलतियाँ हुई वहाँ मुझे समझाया कि क्या गलत था और आ, क्या करना चाहिए था मुझे चुनाव पहला चुनाव आपका उस पर बात करते हैं क्या क्या कहानी है कि उम्मीदवारी की बात जब होती है क्यों आप जब आप पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं आप जैसे मैं अभी मैं बाहर था तो आपके दोनों बेटों से मुलाकात हुई मेरी तो वो गंदरबल से सोनबर्ग वगैरह से घूम घाम के आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि ठीक है एक ट्रेनिंग है लेकिन कल को अगर उनको फिर ये बोला जाए कि आपको चुनाव लड़ना है अब तो इट विल बी होल डिफरेंट थिंग कि अब आपको वोट मांगना है कि अब मुझे दो हाँ। अब आप तो अगर अब बेटों के हिसाब से बात करूं तो वो कल को बोलेंगे कि भाई उमर अब्दुल्ला को आप तक जिता रहे थे अब अब मुझे लेकर आना है जैसे आपके होगा आपके लिए होगा कि फारूक अब्दुल्ला को जिता रहे थे आप गंदरबल से अब मुझे भी लेकर आना है आपको राजनीति में इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा बताइए ना तो मैं अपना मैंने अपना पहला चुनाव जो है पार्लियामेंट के लिए लड़ा था और उससे पहले मैंने कभी कैंपेन की नहीं थी मेरा पहला कैंपेन मेरा अपना था मैंने छियानवे में कोई कैंपेन नहीं की उसके बाद मेरा कोई सियासत से ज्यादा लेना देना नहीं था बीच बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेरे साथी हैं उनके साथ रास्ता तो बना रहा लेकिन तकरीरें मैंने की नहीं वोट मैंने मांगे नहीं तो पहली मरतबा जब वोट मांगे तो अपने लिए मांगे मुझे पार्टी की तरफ से श्रीनगर से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और मैं मैदान में कूद गया शुरू शुरू में मुझे ज़्यादा बोलना आता भी नहीं था तकरीन मैंने की नहीं थी तो डर डर के एक दो मिनट जल्दी से अपनी बात <laughs> ख़त्म करके मैं निकल जाता था और मेरे वालद साहब ने मेरे आस दो चार सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रखे थे कि वो तो समालेंगे। वो, वो, मेरा मतलब हाथ पकड़ के मुझे, हाँ मुझे वो चलना सिखा रहे थे तो जहाँ मैं जाता था, था। नाम, ले नाम ले ना उनका एक तो एक फिरजाद अहमद शाह साहब हैं बुजुर्ग लीडर हैं अभी अभी भी जिंदा हैं अल्लाह के फजल से वो उस वक्त हमारे प्रोविन्शल प्रेसिडेंट थे एक वो थे और फिर हमारे मुकामी जो आज जनरल सेक्रेटरी हैं अली मोहम्मद सागर साहब वो उस वक्त एक मिनिस्टर थे मेरे वालिद साहब की हुकूमत में उनकी भी जिम्मेदारी रखी गई थी और एक दो और एक एकाध साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे जम्मू में एक बोधराज बाली साहब हैं बोधराज बाली बोधराज बाली उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर जम्मू में, में मेरी मदद करना तो इन लोगों ने थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़ के मुझे समझाने की कोशिश की मेरे अंकल जो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के आ, शेख नज़ीर अहमद साहब वो मुझे बीच बीच में टिप्स दिया करते थे कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ किस तरह की तकरीरें करूँ और आ, आ, शुरुआत वहाँ से हुई आपको कब लगा कि आप ठीक है अब कमान मेरे हाथ में अब मैं जो चाहूँ बोल सकता दो हज़ार दो आते आते नहीं वो शायद वो वो नौबत कभी नहीं आती Uh, किसी सियासतदान के लिए ये सोचना कि मैं जो चाहूँ मैं बोल सकता हूँ uh, वो 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 मुमकिन ही नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको uh, सोचने से बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इन बातों का uh, क्या क्या असर पड़ेगा uh, इसका फॉल आउट क्या हो सकता है क्या ये बोलने से आप कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे हो और uh, मैंने बहुत जल्दी सीखा कि खासकर जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप यहाँ कश्मीर में बोलो तो जम्मू में उसका नतीजा अच्छा नहीं होता जम्मू में कुछ चीज़ें बोलो तो कश्मीर में उसका रिएक्शन अच्छा हाँ। नहीं जाता है और आ, कोशिश की जानी चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी को किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचे और वो भी तो होता है ना कि उस डेमोग्राफी को अलग अलग हिसाब की डेमोग्राफी को आपको एड्रेस करना पड़ता है उस डेमोग्राफी डेमोग्राफी जो डिविडेंट है उसके अलग अलग इश्यूज को आपको पकड़ना पड़ता है नब्स पकड़ना पड़ता है अब मैं एक किताब का जिक्र कर रहा हूँ उमर अब्दुल्ला दर्डन ऑफ़ बर्डन्स ऑफ इनहेरिटेंस एक किताब लिखी गई है बायोग्राफी आप अच्छा हाँ हाँ, हाँ वो तालिब हुसैन ने लिखी है लिखी तो, होगी हाँ। नहीं ध्यान है आपको पता ही नहीं है अच्छा उसमें उन्होंने लिखा है मैं, मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो इसलिए किताब कैसे कोट कर रहा हूँ इसलिए आपके सामने रख भी रहा हूँ संदेह की तरह देखा क्योंकि आपको लोगों ने आ, एक जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा जैसी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट आपके साथ लोगों ने जोड़ा लेकिन फिर वाप ने धीरे धीरे अपनी भूमिका में बदलाव लाए क्योंकि शुरुआत में इस तरह का देखने को मिला था बैकलैश कि यार फारूक साहब ने अपने बेटे को ही उतार दिया है या नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात हुई हो कि बेटे को उतारने का सही मैसेज नहीं जाएगा अगर ऐसी बात हुई है तो वो मेरे कानों तक नहीं पहुंची और देखें जाहिर सी बात है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं वो मुझे पसंद तो करेंगे नहीं आ, लेकिन आ, आम तौर पे यहाँ के वोटरों ने मुझे मौका तो दिया इसीलिए मैं एक बार नहीं तीन बार लगातार उसी क्षेत्र से जीत के गया आ, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक आ, लोगों को समझाना कि आ, ये मतलब सियासत में आना चलिए वो क्योंकि मैं इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ मेरे लिए आ, सियासत में आना आसान था लेकिन आ, आप जो कहते हो ना राजा का बेटा राजा आ, उसमें लोगों को कोई मतलब पूछ के तो होता नहीं है ना सियासत में और ख़ासकर इलेक्शनों में आखिरी फैसला राजा नहीं करता है फैसला लोग करते हैं बेशक आ, मैंने जो पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ा मेरे आ, मैंडेट पे तो फारूक साहब के दस्त होंगे लेकिन वोट लोगों के थे ना आ, अगर लोग मुझे नहीं चाहते मुझे हरा देते आ, मैं इलेक्शन जीता भी हूं हारा भी हूँ मैंने एक दो असेंबली के इलेक्शन हारे हैं मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा है, अभी। तो ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि मैं इस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ तो हमेशा के लिए जीतता ही रहूंगा जब, जब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे हरवाएंगे जाना यू द टाइम कहीं से भी आप मान के चले कि आपको हर पांच साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों से साइन करवाना है अब वो लोगों तक है वो आपके रिपोर्ट कार्ड को मानते हैं या नहीं मानते हैं और ये ये हर सियासतदान का है ये हर हकूमत का है अब मोदी साहब अब तीसरे टर्म पर हैं हर पांच साल के बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के पास जाते हैं कभी उनकी सीटों में उतार आता है कभी चौन उनकी चौन। सीटों में चढ़ाव आता है वो लोगों तक है वो किस तरह अपना फैसला सुनाना चाहते हैं आपकी बात सुन के मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई वो आ, दिल्ली में सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आज मैं उनसे बातचीत कर रहा था और मैंने बताया कि मैं आज उमर साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ शाम को तो आ, उन्होंने कहा कि यार एक फ़ीडबैक मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ चाहो तो आप उनसे शेयर कर लेना मैंने बोला ठीक है फीडबैक क्या है ये उनकी रीडिंग है आपको लेके तो बोले कि मैंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अकेला ऐसा नेता देखा है उमर अब्दुल्ला को जिनकी बातों का जिनकी बातों का रिफ्लेक्शन नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पे आता है एक समय तक उनको, अब्दुल्ला को उसके बाद वो धीरे धीरे वो कह रहे थे कि वैनिश होता गया लेकिन अभी भी ये उमर अब्दुल्ला में बचा हुआ है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के खाटी जम्मू जो यहाँ के नेता हैं जो उनकी एक फिक्स लीग होती है ना वो बोल रहे थे उमर उस पर बात नहीं करते उमर के बातचीत में आपको नेशनल लेवल की मिलेंगे उम्र के आपको आ, आ, बार 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 कॉन्स्टिट्यूशन की और बार, बार जनादेश की याद दिलाते रहेंगे आप ऐसा कैसे कर पाते हैं ये उन्होंने बोला कि ये पूछ लेना आप मैं सोच समझ के नहीं करता हूँ मतलब अब मैं इस इंटरव्यू की तैयारी पहले से कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है आप मुझे क्या पूछोगे तो मैं पहले से कोई जवाब या पहले से कोई एग्जाम्पल या उदाहरण मैं पहले से अपने दिमाग में रख नहीं पाता अब जैसे जैसे हमारी बातचीत चल रही है जो ख्याल मेरे दिमाग में आता है उसको मैं आपके सामने लाता हूँ अब आ, मैं मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं था कि मैं जब उदाहरण देता हूँ तो नेशनल पॉलिटिक्स की देता हूँ या, या संविधान या आइन के हवाले से देता हूँ ये कुदरती हो जाता है पढ़ते लिखते क्या है मतलब इन दिनों क्या चल रहा है ऐसे इन दिनों तो कुछ भी नहीं न्यूज़ कंजम्पशन कैसे होता है आपका मैं अखबार सुबह पढ़ लेता हूँ थोड़े से ऑनलाइन बाकी सोशल मीडिया के जरिए और जो बची खची बात है वो आमतौर पर यहाँ वहाँ किसी से बात करते करते पता चल जाता है हम लोगों ने दर्शकों से पूछा कि उमर अब्दुल्ला से पूछेंगे कि के पास जाएंगे इंटरव्यू करेंगे तो क्या पूछें तो एक दर्शक ने बोला पूछिएगा इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं वो देखते हैं हम्म मीम्स वगैरह फिर से मिलती है तो देख लेता हूँ मीम्स वगैरह मीम्स कम रील्स तो हाँ मैं देख ही लेता हूँ अच्छा हाँ हाँ हा, वो वो एल्गोरिथम के तहत आ ही जाते हैं ना हाँ, कोई पॉलिटिकल हा, कोई किसी खाने बीच की बात की तो उसका रील आ जाएगा हाँ, किसी... ये ये अजीब बात है <laughs> मैंने जिक्र भी ना किया हो दिमाग में ही मैंने सोचा ही होगा कि अच्छा जी आज मैं कबाब दो चार खा लूंगा और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम वही सबसे बेहतरीन कबाब खाने की जगह श्रीनगर में मैं यार कैसे पता कि मैं कबाब खाने की बात कर रहा हूँ लेकिन ये मतलब सोशल मीडिया का अजीब ही हाल है आपको खाने में पसंद क्या है हाँ खाने में क्या पसंद है खाने में मुझे आ, ज्यादा आसान होगा मैं क्या पसंद नहीं करता हूँ क्या क्योंकि मैं मतलब आमतौर पे आप मुझे जो भी खिलाएं मैं मैं खुशी खुशी खा लूंगा और ये आठ साल बोर्डिंग स्कूल का नतीजा है वहां रुला रुला के खिलाते थे तो है। था खाना है अच्छा कैसा खाना और, मिलता था अब मैं उस स्कूल की बुराई करना नहीं चाहता हूँ आठ साल साढ़े आठ साल मुझे बड़े मजा इतना लेकिन आ, मैं हमेशा जब घर छुट्टियों के लिए आया करता था तो मेरी माँ बड़ी परेशान होती थी क्योंकि बहुत दुबला पतला होके आता था तो वो मुझे अच्छा खासा मतलब मोटा करके वापस भेज देती थी और फिर उतर जाता था फिर मैं वापस नापसंद क्या है बता रहे थे नहीं नापसंद मैं मतलब वा... कुछ मतलब खास नहीं मैं आमतौर पर मतलब आप मुझे ये अजीब सी मीट वीट ना कलेजी वलेजी वो सब वो ना खिलाएं बाकी मैं बा, बर्दाश्त कर लूँगा मैं कश्मीरी खाना शौक से खाता हूँ मुझे गुजराती थाली दें मैं बड़े शौक़ से गुजराती थाली खा लूँगा मुझे कबाब और टिक्के वगैरह दे दीजिए चाट मुझे वो स्ट्रीट फूड जो आप कहते हैं बम्बई का पाव भाजी भेलपूरी वगैरह दिल्ली की चाट गोलगप्पे मैं शौक से ये सब चीज़ें खा लूँगा और मीठे का मुझे बड़ा शौक़ है ओ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी आप मुझे कुछ ना खिलाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं मैं, रिज, मैं रिज, आप मुझे मेरे सामने अभी आप कबाब बिरयानी कुछ भी रखें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीठा लेकिन आप मेरे सामने मीठा रखें बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं उसको ना खाऊं गलती हो गई इंटरव्यू के पहले रखना चाहिए था। <laughs> था। <laughs> मैं, मैं खा जाता मैं खा और, मैं, और फिर मुसीबत यह ना मैं फिर एक चम्मच नहीं खाऊंगा ना साफ प्लेट साफ करके ही छोड़ दूंगा फिर मैं पछताऊंगा दूसरे दिन फिर मुझे तीन किलोमीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा और दिन भर चलता रहेगा हाँ, और मैं दिन में मैंने क्यों किया ये। लेकिन तब तक हो गया होता <laughs> चलिए आप सांसद बने सांसद फिर 99 में फिर से चुनाव हुए और आप उसके बाद मंत्री बनते हैं केंद्र में और उस समय केंद्र में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आप 13 अक्टूबर 1999 से 22 जुलाई 2001 तक एमओएस कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री थे और फिर 22 जुलाई 2001 हजार तो एक, कम, एक, एक से तेईस दो हजार दो दो हजार दो तक करके एस एक्सटर्नल छोटा थे आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या अभी जब आप कैंपेन करते हैं या उसके पहले की जब आपकी पॉलिटिक्स रही है प्री ट्वेंटी उस पर भी हम आएंगे तो उसमें कभी ये जिक्र आया या कभी आपके प्रतिद्वंदियों ने ये सवाल आप पर उठाया कि आप भी तो आ, वो तो हर बार एनडीए के साथ जाके मंत्री बने थे वो तो हर हर मतलब उनके हर तकरीर में इसका जिक्र होता है उनके हर इंटरव्यू में जिक्र होता मैं है हूँ कोई दिक्कत नहीं 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 क्या बात आ, कर रहे हैं ना आप हाँ नहीं ना ये तो बार बार इसका जिक्र होता है तो कैसे डिफेंड करते हैं इसको आप ना मैं तो सीधा कहता हूँ ना आप कि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में किसी और प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत है जितनी वाजपेयी साहब की है मालूम है कि वाजपेयी साहब की भी अपनी कमजोरियां थी वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे आरएसएस से ताल्लुक़ रखते थे आ, बी, बीच बीच में बीजेपी का एजेंडा लेके लोग खुश तो रहे नहीं लेकिन कश्मीर के मतलब वाजपेयी साहब के जो ख्याल रहे जो उनकी सोच रही जो उन्होंने जमूरीत कश्मीरीत इंसानियत के दायरे में जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात की जो सरहद पर जाके उन्होंने आ, दोस्त और पड़ोसियों की बात की आ, जो रास्ते खुले श्रीनगर मुजफ्फराबाद का जो रास्ता खुला इन, इस तरह की चीजों का बस, बस लो, चली। लो, लो, लोगों पर एक अच्छा खासा असर पड़ा उसका आ, तो मैं वही कहता हूँ कि वो वाजपेयी और आज की हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है कितना फर्क देखते हैं क्या फर्क है? तो है ही है ना वाजपेयी साहब ने इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत की बात की इन लोगों ने तीन सौ सत्तर की धर्जियाँ उड़ा दी फर्क तो है ही है वाजपेयी साहब ने सड़कें खोली इन लोगों ने बंद किए जिस बस को वाजपेयी साहब ने शुरू किया उस बस को मोदी साहब के दौरान बंद किया गया तो 370 क्या नहीं हटना चाहिए था क्या आपको आपका आपका तो एक आपको... मुल्क ने जम्मू कश्मीर के साथ वादा किया था <coughs> जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में 370 जो है एक अहम उसका एक, एक पिलर है शायद उसके बिना जम्मू कश्मीर जो है इस मुल्क का हिस्सा नहीं बनती इकलौता जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा प्रदेश है जो मुस्लिम मजॉरिटी है आ, वैसे अगर देखा जाए तो इन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ थिंग्स जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था नहीं गए आ, इन्होंने यहाँ रहना चुना उन्होंने सेक्युलर इंडिया को पसंद किया बनस्बत के पाकिस्तान को और आ, आ, उस चीज को पहचानते हुए और जम्मू कश्मीर की यूनिक आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के साथ कुछ वादे हुए उन पर कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी कोई वक्त की सीमा नहीं थी कोई ये नहीं था कि ये दस साल के लिए होगा या बीस साल के लिए होगा या पच्चीस साल के लिए होगा ये समझा गया था कि जब तक जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है आ, ये आ, स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को हासिल होगा लेकिन चलिए नहीं रहा चलिए तीन सौ सत्तर हट गया और एब्रोगेट हो गया पैंतीस से एब्रोगेट हो गया उसके बाद आपकी एक हाउस डिटेंशन में आप गए पी के तहत साढ़े आठ महीने के लिए और फिर आपकी तस्वीर आई बाहर जो तस्वीर ने बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया था जिसमें आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और फिर मैं एक आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था कि उस हाउस अरेस्ट के दौरान उस डिटेंशन के दौरान आप जिस घर में आपको रखा गया था बंद किया गया था उसी घर में आपकी कट्टर प्रतिद्वंदी महबूबा मुफ्ती भी बंद थी तीन दिन के लिए बस तीन दिन के लिए तो सिर्फ तीन दिन अच्छा तीन दिन भी नहीं मैं प, पिछले दिनों अपने कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा था तो मुझे लगता है मुझे लगता है दूसरे दिन या हाँ, दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको वहाँ से हटा के कहीं और लिया गया क्यों हटाया गया था आप लोग एक घर एक घर को वैसे भी कहा गया था कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते घर काफी बड़ा था और वहा जब मैं घुसा वो पहले से आई हुई थी सामने पड़ गई नहीं वो निचले फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे थी मुझे फ़र्स्ट फ्लोर पे रखा गया और कहा गया था कि आप दोनों जो हैं आप मिलने आप कहीं मिलना नहीं आपकी कहीं मुलाकात होनी नहीं चाहिए मैंने कहा ठीक है ना मकान बड़ा है मैंने वहाँ जो हमारा वहाँ पे वो गार्ड वगैरह थे मैंने उनसे कहा कि आप मैडम से पूछ लीजिए कि वो कब वॉक करना पसंद करेंगी तो वो अपना वॉक का टाइम दे दें तो उसके वॉक के दाएं बाएं आगे पीछे मैं अपना कर <laughs> मतलब क्लैश ना हो आप हाँ, क्योंकि कहा गया था कि आप मत मिलें मैंने कहा ना क्यों फिर खाम खा वो अपना वॉक कर लेगी मैं अपना कर लूँगा मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी आ, लेकिन आ, दो तीन दिन, दिन बाद ही चली क्या वजह हाँ दो तीन दिन बाद मैंने देखा कि उनकी गाड़ियों का काफिला वहाँ लगा हुआ था तो मैंने पूछा क्या हो रहा है कहा जी इनको शिफ्ट कर रहे मैंने कहा, कहा मालूम नहीं लेकिन वो शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके बाद मैंने उनको सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गाड़ी में चढ़ गई और चली गई कई मुलाकात हुई आप लोग आप एक तस्वीर तो मैंने देखी है जो हम बीच बीच में मुलाकात तो होती रहती है अलायंस वाली तस्वीर तो देखी जब है वो तो है लेकिन उसके आ, उसके अलावा भी वो भी सबक वजीर आला है जम्मू कश्मीर के मैं भी रह चुका हूँ और छोटी जगह है कहीं ना कहीं तो मुलाकात होती रहती है कितनी कितनी हेल्दी बातचीत है आप लोग के बीच में बातचीत हम ज्यादा करते नहीं है आ, हमारे मतलब हेलो हाई तो रहता ही आप है। क्या करिए बोला तुम्हें महबूबा जी हाँ अच्छा हाँ मैं <laughs> आमतौर पे मैं मतलब आ, किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आता हूँ आमतौर आम आमतौर पे मतलब कभी कभी ऐसा कभी, कभी कभार गुस्सा आ गया हो तो फिर कंट्रोल नहीं रहता लेकिन आमतौर पे और आमतौर में मतलब मैं कहूँ कि नाइन्टी गुस्सा आपको आ जाता है नहीं 95 नहीं आता है 5% में कहीं लास्ट टाइम कब आया था गुस्सा अब याद नहीं है आज भी आया होगा किसी बात पर <laughs> लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं अच्छा ठीक है तो हम लोग बात कर रहे थे आ, 370 के हटने की और फिर आपके हाउस अरेस्ट की फिर वहाँ से बाहर आने की बाहर आने के बाद फिर धीरे से अप्रोच शुरू होता है फिर धीरे-धीरे चीजें दिखने लगती हैं सर फिर एक अलायंस का जन्म होता है अलायंस उसको कहा जाए कि ना कहा जाए आज की तारीख में इस पर भी सवाल है उमर साहब गुप्कार अलायंस को कहते हैं आ, कश्मीर के वो सारे नेता जो 370 के एब्रोगेट किए जाने से खफा थे और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे डेमोक्रेटिक तरीके से वो साथ में एक मंच पे आए साथ में तस्वीरें वायरल हुई और फिर अब गुप्कार अलायंस का कोई नाम लेवा ही नहीं दिखता है मैं पीडीपी के लोगों से पूछता हूं कि गुप्कार अलायंस तो वो बोलते हैं कि जीएनसी वालों ने तोड़ा और फिर एनसी वालों के सामने बैठा हूं तो वो अपना जवाब बताएंगे कि उन्होंने उनका नहीं, क्या हमने तोड़ा नहीं देखिए ना हमारे लिए गुप्कार अलायंस एक इलेक्ट्रल अलायंस था नहीं ये एक प्रेशर ग्रुप था एक हाँ एक, एक, एक प्रेशर ग्रुप मान लीजिए एक आ, एक मतलब प्लेटफॉर्म जैसे आपने कहा उन तंजीमों के लिए जो तीन सतर, के, हटने, हाँ। के हटने से, हाँ।, हाँ के हटने से खुश नहीं थे या उसकी मुखालफत करना चाहते थे ये एक ग्रुप बना लेकिन हमारा इरादा कभी ये नहीं था कि ये मतलब एक हमेशा के लिए एक प्रीपोल अलाइंस के तौर पर उभर के आएगा और पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान आ, इस बात के बावजूद कि हमारे पास कुछ ज़्यादा सीटें थी नहीं जिस पे हम आपस में समझौता करें कोशिश तो की थी कि हम दरवाज़ा असम्बली के लिए खुला रखें लेकिन नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया अब जैसे आपने कहा पीडीपी वाले हमें दोषी ठहराएंगे हम उन्हें दोषी ठहराएंगे लोग खुद फैसला करेंगे अब 370 वापस आएगा कश्मीर में प्रैक्टिकली क्योंकि आपका एक पुराने जल्दी में नहीं होगा अगर होगा भी तो बहुत वक्त लगेगा हटने में 30-35 साल लगे बीजेपी को वापस आने में क्या पता हमें उस तरह के हालात मुल्क में बनने चाहिए मरकज़ में केंद्र में ऐसी सरकार आनी चाहिए जो इस मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए तैयार हो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं आ, लेकिन आ, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कब ऐसे हालात बनेंगे वो अभी कोई कह नहीं सकता इसलिए हम अपने प्रचार के दौरान कैंपेन के दौरान लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो तो हम फटाफट तीन वापस लाएँगे हम उनको कहते हैं ना आप कि हम ये मुद्दा जिंदा रखने का वादा कर रहे हैं आपसे वापस लाने में तो वक्त लगेगा और जब तक होगा तो तब तक हम इसके इस मुद्दे पे बात करते रहेंगे मैं तीन सौ सत्तर इसलिए भी बातचीत कर रहा हूँ उमर साहब कि मैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जब इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं आप एक राज्य को बंधक बना के नहीं रह सकते आपको चुनाव करवाने होंगे वहाँ पर तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक मौजूद टिप्पणी भी की थी वो टिप्पणी ये थी कि एक सेकंड के लिए मानता हूं कि आप कहते हो कि वो टेम्प्ररी था लेकिन टेम्प्री था, था क्यों क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी फैसला नहीं हुआ था ना पंद्रह अगस्त को हम आमतौर पर मानते हैं कि फिफ्टीन अगस्त सेवन के रात को दो मुल्क पैदा हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान।, पाकिस्तान लेकिन हकीकत में तीन मुल्क पैदा हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 15 अगस्त के रात को 14-15 अगस्त के रात दो, दोनों मुल्कों से अपना रिश्ता बनाने से इनकार किया महाराजा ने उस वक्त कहा कि मुझे वक्त चाहिए मैं ना हिंदुस्तान के साथ हूं ना पाकिस्तान के साथ हूं तो 15 अगस्त को तीन मुल्क कायम हुए जिसमें से जम्मू कश्मीर एक है जम्मू कश्मीर पे फिर पाकिस्तान के वो जो ट्राइबल इन्वेडर्स हैं, आर्मी है आप जिस तरह भी उसे देखें वो हमला करते हैं हमला करने के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हिंदुस्तान की हकूमत से मदद मांगती है कहती है मुझे बचाओ हिंदुस्तान की हकूमत ने कहा कि देखे आप जब तक आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनते हम आपकी मदद नहीं कर सकते महाराजा साहब फिर एक्सेशन साइन करके हिंदुस्तान की फौज आ जाती है लेकिन ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगी या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी इसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी एज पर ए प्लेबिसाइट ठीक विच मीन्स कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस फिलहाल टेम्प्ररी है जब तक लोग अपना मोहर नहीं डालते रेफरेंडम वही तो अगर जम्मू कश्मीर का स्टेटस टेम्पररी है तो आप जम्मू कश्मीर के लिए फिर एक परमानेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में ला नहीं सकते हो आपको टेंपररी एक फीचर लाना पड़ेगा तब तक के जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहती है आप समझे मेरी बात जी। था? तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप 370 कहते हो टेंप्ररी है वो इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेटस भी उस वेबसाइट के तहत तय होना चाहिए था वो भी तय नहीं हम, हुआ है। वो हमने हम हम, हम हम मान के चलते हैं कि अब वो नौबत आएगी नहीं जम्मू कश्मीर जो है अब इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क का हिस्सा रहेगी वो बदलने वाला नहीं है लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का स्टेटस इस मुल्क के हिस्से के तौर पे बदलने वाली नहीं है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तैयार किए थे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का परमानेंट हिस्सा बने तो वो फीचर्स भी परमानेंट बनने चाहिए ना मेरी बात समझे समझ गए गया, समझ गया। हाँ। तो वही हम मैं मुझे इस बात का मुझे इस बात का एतराज नहीं है कि मुझे इस बात का मतलब ये नहीं है कि कि ये क्यों कहते हैं टेम्प्ररी मैं चल मैं टेंरी मानने के लिए तैयार हूं लेकिन आप टेम्प्ररी सिर्फ एक चीज को कह के बात निपटा नहीं सकते फिर आपको समझाना पड़ेगा ना कि टेम्प्ररी क्यों था और अगर एक्सेशन परमानेंट हो जाता है जो कि हो गया है तो फिर एक्सेशन के कंडीशन एक्सेशन का नक्शा वो भी परमानेंट होना चाहिए था लेकिन हमारी बदकिस्मती यही रही कि एक्सेशन तो परमानेंट हुआ लेकिन एक्सेशन का जो फ्रेमवर्क 370 स्पेशल स्टेटस उसको टेम्प्ररी करार के आपने उसको ख़त्म कर दिया अब चलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार पहले 370 के हक में भी फैसला दिया था फर्क यह था कि वो तीन जज का बेंच था यह पांच जज का बेंच, बेंच थी। अब मुमकिन है कि होगा नहीं होगा वक्त बताएगा लेकिन मुमकिन है कि कल को एक सात जज का बेंच इस पांच जज के बेंच को रिव्यू करें रिव्यू करें, रिव्यू करें। हो सकता है देखें तीन सौ सत्तर कितना ज़रूरी है ये अभी इस प्रदेश के लिए इसका होना इस सूबे की इस सूबे की पॉलिटिकल इस सूबे की इकोनॉमिकल इस सूबे की सोशियोलॉजिकल स्टेटस को देखते हुए अब जिस तरह हमारी अब नौकरियों को खतरा हुआ है हमारी ज़मीनों को जिस तरह हटाने के बाद हम पीछे ही गए आगे नहीं, नहीं गए मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने मुझे बताया कि पिछले सालों में हमारी लिटरेसी रेट जो है वो दो प्रतिशत पीछे गई है हमारी जो आ, आउट ऑफ स्कूल आ, बच्चों की तादाद है स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स वो कोई बारह हजार थी उनका नंबर जो है वो बारह हजार था अब एक लाख पच्चीस हजार से ज़्यादा है आ, तो आप जिस भी आप जो आज जो हमारा कर्जा है डेट uh, जम्मू कश्मीर का जीडीपी टू डेट रेशियो जो है वो 49 नाइन परसेंट है uh, पंजाब के साथ पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रदेश कर्जे से डूबा हुआ है वो जम्मू कश्मीर है तो मुझे बताइए ना आप कहते हैं कि वापस लाने की क्या मजबूरी है हम तो बजाय हटने के बाद तरक्की करें हम तो और पीछे जा रहे हैं तो कहते हैं ना हमें वापस दे दो ताकि हम कम से कम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे हम थे आपके लिए उमर साहब स्टिक क्या है मतलब प्रदेश की स्टेबिलिटी को जो आपने पैमाने बताए इकोनॉमिकल और सोशोलॉजिकल इम्प्लिकेशन जो थे वो तो है ही लेकिन किसी प्रदेश के की शांति को नापने का स्टिक पैमाना क्या होगा क्योंकि जब हम इस बातचीत कर रहे हैं 370 के हटने पे हुए प्रभावों की तो आपका एक विरोधी खेमा है और वो ये बोलता है कि साहब कश्मीर में तो लाल चौक पे पत्थर चलते थे जामा मस्जिद में ये होता था Uh, मिलिटेंसी कर वही वही बात करने से बचता है कि कश्मीर छोड़ दीजिए साहब कश्मीर के बाद पीर पंजाल की पहाड़िया डाक के, के जम्मू साइड में जाइए तो मिलिटेंट्स घुस के बैठे हुए हैं वो जब न तब गोलियां चला दे रहे हैं मैं जून के महीने में अभी जो जून बीता है लोकसभा चुनाव दो महीने मैंने कवर किया उसके बाद मैं दस दिन जम्मू के जम्मू के उन सारे फील्ड्स में घूमा जहाँ पे पीर बंजाल की रेंजेस में जहां पे अटैक हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पूंछ उधमपुर एंड डोडा सब कुछ इलाके में 370 के बाद के को नापने का उमर अब्दुल्ला के लिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यार्ड स्टिक क्या है पीस क्या है क्या पीस आया है या पीस किस कॉस्ट पे आया तो पीस आया नहीं है लेकिन मैं मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि जो हम बीच बीच में पत्थरबाजी का एक दौर देखते आए वो आज कम देखने को मिलता जो लोग इलेक्शन में लोगों को धमकी दिया करते थे कि हिस्सा मत लो वो आज सुनने को नहीं मिलता लेकिन मेरे मन में सिर्फ़ एक चीज़ पे सवाल उठता है कि क्या ये लोगों की अपनी मर्ज़ी से हो रहा है या डर और ख़ौफ़ के वजह से अगर जिन लोगों को इस पिछले पाँच छः सालों के दौरान गिरफ़्तार करके जम्मू कश्मीर के जेलों के बाहर रखा हुआ है अगर वो छुट के वापस आ जाएं, क्या हालात इसी तरह नॉर्मल रहेंगे क्या ये नॉर्मल सी उनकी गिरफ्तारियों का नतीजा है अगर है तो फिर लोगों के दिलों में कोई खास बदलाव आया नहीं है अगर लोगों के दिलों में बदलाव आया है तो मैं उसको पीस और नॉर्मल सी मानूँगा अगर ये एक एनफोर्स्ड काम है अगर ये काम डर के वजह से अगर ये डर इस बात का है कि कल को मेरे घर पे बुलडोज़र चलेगा कल को मुझे पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पा, कठिनाई होगी कल को मेरे किसी रिश्तेदार को सरकारी नौकरी से जो है डिसमिस किया जाएगा और इसलिए मैं अपनी भावनाओं को दबा के रखूँगा वो नॉर्मल सी नहीं है ना वो एक अनईजी काम है वो तो कभी भी टूट सकता है और आपने खुद अ, मेरे जवाब का एक हिस्सा अपने सवाल में ही जोड़ दिया चलिए कश्मीर में आज कल इतनी मिलिटेंसी देखने को नहीं मिलती जितनी देखने को मिल रही थी लेकिन कल भी साइड में एनकाउंटर हुआ लेकिन जम्मू के हाल जम्मू का हाल देखिए पीर पंचाल चिनाब वादी रियासी उधमपुर कठुआ सांबा जम्मू मुझे बताइए ना आप कहाँ हमले नहीं हो रहे और ये एक तो लापरवाही क्योंकि हमें शायद हमारे जो हुकुमरान हैं उनको लगा कि बस अब जम्मू बिल्कुल ठीक है यहाँ कुछ नहीं हो सकता लेकिन बीच में फिर लद्दाख का जो आक्रमण हुआ चीन के तरफ से यह उसका भी नतीजा है क्योंकि हमने अचानक हमें फौज की जरूरत थी हमें लद्दाख को बचाना था हम कहीं और से ला नहीं सके हमने जम्मू से वो फौज उठा के लद्दाख पहुंचा दिया और यहाँ हालात बिगड़ गए जम्मू ओपन हो गया जम्मू ओपन हो गया और उस ओपन का इन्होंने फ़ायदा लिया ये मेरे कई सारे डिफेंस सोर्सेज ने भी बताया अच्छा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर प्रधानमंत्री गृह मंत्री, मंत्री वगैरह इलेक्शन के दौरान ये अटैक करते हैं कि ये लोग आएंगे तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा जी लेकिन आतंकवाद को तो इनके दौर में बढ़ावा मिला जिन इलाकों को 2014 से पहले हमने मिलिटेंसी से मुक्त किया था आजाद किया था

पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक राज्य को बांटा गया और एक राज्य को यूनियन टेरिटरी के तौर पर बना दिया गया फिर लद्दाख को तो, तो अभी यूटी है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं चुनाव पे हम बाद में आएंगे लद्दाख यूटी बनने के बाद आप कभी जब चीफ मिनिस्टर होंगे या जब आपकी पार्टी का, का काम होता होगा तब तो आप जाते ही होंगे आई गेस लेकिन यूटी बनने के बाद आप गए लद्दाख मैं लेह नहीं गया हूँ करगिल तक गया हूँ करगिल दो या तीन बार गया हूँ क्या सुनाई देता है दे करगिल में तो वैसे भी लोग इस इस फैसले के हक में नहीं थे करगिल के लोग तो वैसे भी पाँच अगस्त 2019 के फैसले के सख्त खिलाफ थे वो नहीं चाहते थे कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए आ, लेह में आ, आम तौर पर खुशी मनाई गई मिठाइयाँ बांटी गई पटाखे फटाए गए, आ, पटाके पटाए गए आ, लेकिन आज आ, कई सारे उनमें से पछता रहे हैं उनको लग रहा है कि जो उनकी उम्मीद थी यूटी को लेके वो उम्मीद उनकी ऐसी रह गई वो ऑटोनोमस काउंसिल की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक मैं ये। तो आज कहता हूं लद्दाख के लोग करगिल ले मिला के उनको अपने मुस्तक बिल पे ज्यादा कंट्रोल था जब वो जम्मू कश्मीर के हिस्से थे जम्मू कश्मीर में रह के उनकी जो हिल काउंसिल्स हैं हिल काउंसिल करगिल हिल काउंसिल ले, उनके इख्तियार ज्यादा थे तब हम श्रीनगर से इतना दखल नहीं देते थे जितना आज राजभवन के जरिए ले लद्दाख में दखल हो रहा है आज अगर आप देखें तो ज्यादातर फैसले राजभवन के जरिए लिए जा रहे हैं ले लद्दाख के ले के भी और करगिल के भी हिल काउंसिल जो हैं वो एक फिगर हेड के तौर पे आज वहाँ काम कर रहे हैं असली पावर जो है वो राजभवन में है मुझे तो अफसोस और अफसोस मुझे इस बात का है कि अब उनके ना एमएलए हैं ना मिनिस्टर हैं ना एमएलसी हैं इकलौता मेंबर पार्लियामेंट है और हिल काउंसिल जो है उनके इख्तियार जो हैं राजभवन के हाथों कम किए गए हैं तो आ, मैं हैरान नहीं हूं कि वो पछता रहे हैं नहीं। नहीं। नहीं से कुछों ने तो ये कहा कि हम तो हमारे थे, गेस्ट ने शो होता है। उस, तो उस बातचीत के दौरान भी वो ये कह रहे थे कि जब 370 सौ सत्तर हटा था तो वहां के लोगों ने बहुत जश्न मनाया था उसके बाद लेकिन अब वो कभी कभी अब रिविजिट करना चाहते हैं अपने उस जश्न मनाने के फैसले को भी रिविजिट करना चाहते हैं तो एक खलिश तो है उनके मन में एक छोटा सा एक सवाल है कि यार हमने जश्न मनाया वो जश्न का हमको क्या मिला हम साल 2002 पे आते हैं उमर भाई कि आप जब मिनिस्टर थे और आप एक बार गए 2002 की बात है जब आप पाकिस्तान गए थे आ, नहीं मैं कब गया था मुशरफ साहब की मीटिंग हुई थी ये दो हजार नौ के इंत से पहले आप दो, अच्छा, हजार, दो हजार और 2008 के दरमियान अच्छा दो में जब आपने छोड़ दिया था मंत्रालय छोड़ दिया था हाँ, उसके वो तो, तो वाजपेयी हाँ, साहब की इस्तीफा दिया था हाँ, आपने इस्तीफा हाँ, आप नेशनल का फिर मैं है। पार्टी का काम संभाल रहा था हाँ, वो क्यों हुआ पार्टी का हम उसी वक्त इलेक्शन हार गए थे के में हमारी परफॉर्मेंस कुछ ठीक रही नहीं यहाँ पे मुफ्ती साहब ने कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और मैंने मुनासिब समझा कि मैं वहाँ छोड़ के, पार्टी पार्टी के तरफ ज्यादा ध्यान दो फिर मुफ्ती साहब ने आपके घर में आ, स्पाइंग लगवा हाँ। क्या कहानी है? मैं बात हुई थी मैं बता रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है लेकिन काफी बाद का है वो साल दो मुफ्ती साहब का दिया कि उमर अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सईद गवर्नमेंट ऑफ स्पाइंग और फॉर मै जेक एंड की मिनिस्टर उमर सेड दैट अ जर्नलिस्ट हु हैड कम टू इंटरव्यू हिम वाज स्टॉप्ड आउटसाइड द हाउस बाय एन ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और उमर अब्दुल्ला ने अपने रेजिडेंस में स्पाइंग डिवाइसेस मिलने पर भी चिंता जताई नहीं मैंने अभी तक मुझे तो याद नहीं है कि मुझे कोई स्पाइंग डिवाइस मिली है हाँ घर के बाहर स्पाइंग तो ये करते ही हैं आपका भी नाम कहीं आज फाइल में नोट किया गया होगा कि आप आए हैं मुझे मिलने वो गेट के बाहर सीआईडी वाला हम उसको पहचानते हैं <laughs> बीच बीच में उसको हम चाय वाय पिला लेते हैं जब वो किसी को पहचानता नहीं है तो पूछता है कि ना आप ये कौन है ताकि मैं अपने इसमें रिकॉर्ड में लिख लूँ मेरी बहन यहाँ पास में रहती है उसके बाहर एक हमारे घर के बाहर एक दो मेरी पुफी है पड़ोस में उनके घर के बाहर ये ये सिलसिला तो रहता ही है तो, आ, लेकिन स्पाइंग डिवाइसेस का आ, ये खबर कहाँ से आई मुझे इसका मुझे इसकी इस बात की खबर नहीं है लेकिन ये करते हैं मुफ्ती हाँ ये तो फोन टैप आ, ये मुफ्ती साहब भी करते थे ये ये सिलसिला चल मुझे बचपन से आ, ये अपने वालिद साहब का ये याद है वो हमेशा कहते हैं कि फ़ोन पे कोई बात नहीं करनी अच्छा हाँ हाँ फ़ोन पे आप मौसम का पूछ लो क्या खाया वो करो आ, फोन पे कोई ऐसी बात नहीं करना जो क्या आप सीक्रेट जो लीक हो जाए हाँ और आमतौर पे मुझे मेरी आदत है मैं गाड़ी में बात नहीं करता हाँ, मैं रेडिफ पे आपका इंटरव्यू पढ़ा मैं हाँ, गाड़ी में था मैं बात नहीं करता। मैं नहीं कार करता। नहीं करता। में बात, बात नहीं करता और मैं फ़ोन पे भी अब आजकल तो अब अलग तरीकों से फ़ोन पे बात हो जाती है लेकिन लैंडलाइन पे हम खुल के कोई बात नहीं करता व्हाट्सअप कॉल पर बात करते हैं अब मैंने सुना व्हाट्सएप भी कोई मतलब इतनी ठीक चीज है नहीं क्यों कोई पता नहीं ना बीच बीच कौन मैं... सा फोन यूज करते हैं या, या एप्पल नहीं नहीं मैं एप्पल का हार्ड कॉर मैंने बीच में एंड्रॉय ट्राई की मैं नहीं चला मुझसे टेक टेक से भी हैं। टेक से भी भी गैजेट पसंद करते हैं मैं गैजेट्स पसंद करता हूँ अपने आप को टेक्स अभी तो नहीं कहूंगा लेकिन गैजेट्स का मैं शौकीन हूं सबसे लेटेस्ट गैजेट कौन सा खरीदा ना अभी तो मैं हाल ही में तो कुछ नहीं Uh, मेरा फोन भी अब दो तीन साल मैं एक वक्त ऐसा था कि मैं हर साल अपना नया फोन ले लेता था अब दो तीन साल से मैंने फोन बदला ही नहीं है तो चीफ मिनिस्टर थे हाँ नहीं नहीं बीच में उससे पहले उसके बाद उससे पहले भी और उसके बाद भी अच्छा अब बताइए आप पाकिस्तान यात्रा की बात हो रही थी हाँ, हाँ। आप गए वहां पे कैसे वो कैसे वो यात्रा कैसे हुई कि आपको परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई मैं फिर उसके मुझे बाद एक बा, भी मुझे हुआ भीश के सिलसिले में शायद बुलाया था या, मुझे वहां से दावत है मुझे याद नहीं है लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हाँ एक कॉन्फ्रेंस था शायद इस्लामाबाद में और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे फिर जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स थे पाकिस्तान के तरफ से उन्होंने मुझसे कहा कि मुशरफ साहब आपसे मिलना चाहते मैंने कहा आपको कोई गलत फहमी होगी ना पाकिस्तान की क़्यादत हम जैसे लोगों से बात नहीं करते तो हम जैसे लोगों से मतलब मतलब मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम इंडियन पोलिटिकल लीडर्स जो कि एक्सेशन को चैलेंज नहीं करते आ, हम लोग जो आ, मसले का हल जो है आइन के चार दरवाज़ों के अंदर या चार दीवारियों के अंदर के हवाले से बात करते हैं मैंने उनसे कहा मुशरफ साहब हम जैसे लोगों से बात नहीं करते कहा नहीं ना ये यह, यहाँ पाकिस्तान में बदलाव आया है वो आपसे भी बात करना चाहते हैं और आगे जाके शायद वो महबूबा मुफ्ती जी से भी मिलेंगे तो मैंने कहा ठीक है तो फिर बात चली और उन्होंने कहा जी उनके प्रेजिडेंशल ऑफिस के प्रोटोकॉल से आपको ये आ जाएगा और वो टाई अप कर लेंगे इस्लामाबाद इस्लामा इस्लामाबाद में, है, इस्लामा में। तो उन्होंने फिर होटल गाड़ी भेजी अपना कोई प्रोटोकॉल का अफसर भेजा और वहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस में ले गए और वहाँ आधा आधा पौना घंटा बातचीत रही और फिर वहाँ से निकला और वापस आया क्या बात हुई थी नहीं यही बातें जो कश्मीर के मुतल उस वक्त सूरत हाल कुछ अलग थी मुशरफ मुशरफ सॉल्व करना चाहते थे कश्मीर का इशू मुझे तो लगता है वो करना चाहते थे और मुझे लगता है कि आ, मेरी जिंदगी में शायद हम उस दौर से उससे ज्यादा नज़दीक नहीं आएंगे जिसमें कि दोनों मुल्क एकदम एक तैयार हों नोज टू नोज रेडी थे कि बात न, करेंगे इस पर मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक वाजपेयी साहब के साथ और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब के साथ आ, वो इस चीज को बहुत हद तक आगे ले गए थे आ, लेकिन फिर मुशरफ साहब ने आ, सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा लिया जजेस के साथ लड़के फिर उनकी पावर्स में थोड़ी कमी आई उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ और आ, बातचीत वहाँ फिर खत्म हो गई पाकिस्तान की जुडिशरी को कुछ नेता बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशरी मानते हैं आप मानते हैं ऐसा बीच बीच में तो कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनकी शायद उम्मीद नहीं की जा सकती थी उन्होंने तो हुकूमतें गिराई हैं वहां पे अपने जजमेंट के और फैसलों से इंडियन इंडियन जुडिशरी पे कमेंट आपका नहीं आमतौर पर इम्पार्शल इंडिपेंडेंट जैसे आम तौर पे उमर अब्दुल्ला गुस्सा नहीं आता उस तौर पे हाँ हाँ बीच देखिए ना कोई दायरा ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल ही बेदाग हो Uh, नामुमकिन है क्योंकि आखिरकार दे आर ऑल मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नो ह्यूमन बीइंग इज इज परफेक्ट और फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फेलियर बीच में एक आध गलती हो जाती होगी लेकिन आमतौर पे तो ठीक ही रहा मुख्यमंत्री बनते हैं आप साल में फिर चौदह में सरकार जाती है आपकी लेकिन उसके वो कार्यकाल कैसा था आपका कितना आ, कुछ अच्छा वक्त था कुछ मुश्किल वक्त था बताइए मुश्किल वक्त कौन सा था मुश्किल तो अच्छा वक्त आपने उस समय बताया होगा चुनाव प्रचार में भी हाँ अच्छा वक्त दो हजार दो दस का जो जो गर्मियों के दौरान जो हालात रहे वो मुश्किल थे जो 2014 में सैलाब आया उसमें तो मतलब जो तबाही यहाँ हुई वो एक बड़ा मुश्किल दौर था Uh, कोई मतलब दो चार ऐसे मौके आए जबकि बहुत मुश्किल था लेकिन कुछ ऐसे साल भी आए जो मतलब बिल्कुल ठीक रहे uh, जहाँ जहाँ टूरिज़म के हवाले से हालात बिल्कुल अच्छे थे uh, जोग बग जोग लोग यहाँ टूरिज़म के लिए आए दो हज़ार ग्यारह बारह uh, तेरह का काफ़ी हिस्सा uh, तो मतलब ठीक है, है दस ग्यारह सौ दो हजार दस और ग्यारह के आसपास तो एक मिलिटेंसी का भी एक छोटा सा पीक दिखाई दिया था एक अपटिक दिखाई दिया था मिलिटेंसी का तो मुझे एक बात का तो फखर है कि अगर आप मिलिटेंसी का ग्राफ मेरे दौर का देखें तो इट इज अं कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ हर साल मिलिटेंसी की एक्टिविटीज में कमी आई कैसे सिविलियन केजुलटीज में कमी आई सिक्योरिटी फोर्सिस की में कमी आई हमारे मेरे पाँच साल छः साल डाउनवर्ड ग्राफ रहा पिछले तीन चार साल का जो है इट इज़ एन अपवर्ड स्लो, स्लोपिंग ग्राफ खासकर जम्मू के वजह से हुँ. क्यों क्यों ऐसा कर पाए अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से आपकी सरकार में मिलिटेंसी की कमी आई हमारी मुझे लगता है फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का भी ठीक रहा मरकज़ के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे खासकर जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा फिर शिंडे साहब आए उनके साथ भी ठीक ही रहे लेकिन चिदाम्बरम साहब के साथ खासकर मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे और उसका फायदा जम्मू कश्मीर में हमें जरूर मिला इतना अगर आपका पीरियड जो था इतना अच्छा था चौदह में हार का सामना क्यों करना पड़ा आपको वो उसके वजूहत हैं 2010 का मैंने जिक्र किया चौदह की फ्लड भी सोलह फ्लड के ठीक दो महीने बाद इलेक्शन हुए और मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्लड में काफ़ी हद तक एक मतलब उस वक्त मीडिया को एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया क्योंकि बीजेपी वो 45 प्लस के एजेंडा लेके इलेक्शन में कूद चुके थे आ, मैं आज भी मान के चलता हूँ कि हमारी रिस्पांस फ्लड्स को लेके इतनी ख़राब नहीं थी जितना, जितना लोग जितना जितना लोगों जितना मीडिया के जरिए प्रोपोगंडा हुआ मुझे इस बात का बेहद मतलब मुझे इस बात की खुशी है फखर है कि पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट में क्योंकि आम तौर पे आप देखें फ्लड्स में जो लोग गुजर जाते हैं वो तो है लेकिन फ्लड्स के बाद बीमारियों का बहुत बड़ा एक रोल रहता हाँ, है वो एक वो है हमारे हाँ पोस्ट फ्लड्स में नॉट अ सिंगल लाइफ वाज लॉस्ट Because of illness. No epidemic. None. There was no health epidemic as a result of the floods. Is, uh, in spite of all the livestock that was lost, the animal carcasses that had to be removed, all the water logging in Srinagar for two to three weeks, hmm. do, teen hafte lage se pump out karne mein. Is baat ke baawajud, waterborne diseases, se, ek bhi death, floods. Ke baad इसका कुछ तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है बेशक इसका हमें क्रेडिट ना गया हो लेकिन अंदर अंदर से मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि यार जब थे क्योंकि केवल आपके दादा जी, आपके पिताजी और आप आप ही लोग हैं जो छह साल से ज्यादा कुर्सी पर रहे हैं सिर्फ दो ही हैं चीफ मिनिस्टर जिन्होंने छ साल का पूरा टर्म कंप्लीट किया हाँ। एक मेरे वालिद साहब छियानवे से 2002 और मैं 2015 2009 से 2015 हजार ठीक है आई स्टैंड कनेक्टेड और आप कोई ऐसा काम उस छः साल के वक्फे में आपको लगा कि यार ये काम रह गया ये काम हो जाता बहुत तो, सी चीजें रह गई तो उन्नीस चौदह सब बचा ले जाते बहुत सी चीजें रह गई थी एक तो अगर हमने 2010 के हालात को ठीक तरह से डील किया होता तो उस बात का मुझे आज इतना अफसोस नहीं होता जितना मुझे है लेकिन डेवलपमेंट देखना आप, आप कभी भी इतनी डेवलपमेंट कर नहीं सकते हो जिससे कि आप आपको ये तसल्ली हो कि मैंने किया है आप एक काम करते हो लेकिन उस एक काम को करने के बाद आपको लगता कि पांच और किए जाने चाहिए थे जितनी हमारी रिसोर्सेज थी जितनी हमारी कैपेबिलिटी थी जितना हमारे पास पैसा था हमने उसका जितना इस्तेमाल कर सके कि और मुझे फिर भी इस बात की तसल्ली है कि शायद ही कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे हमने कोई काम छोड़ा हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है तरक्की के लिहाज से ठीक है साल 2014 के चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होता है यहाँ पे और पीडीपी और भाजपा मिलकर सरकार बनाते हैं ऑब्वियसली आपके लिए एक, एक फ्लाइट पॉइंट है कि पी और बीजेपी के गवर्नमेंट दोनों ही आपकी प्रतिद्वंदी हैं और आप अटैक करेंगे ही लेकिन उनके पास भी ये बहाने हैं कि साहब हम नहीं मनाते तो अल्ताफ बुखारी बैठे हुए थे वो बैठे हुए थे वहां कॉलिशन करने के लिए अल्ताफ बुखारी से मैंने बात की अल्ताफ बुखारी बोल रहे हैं कि मैं तीनों पार्टी का ज्वाइन कैंडिडेट होने वाला था दो हजार में सोलह तो सही बात है इसी कमरे में आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझसे पूछा था ना कि इस कमरे में क्या होता है वो तो रोल में हो गया तो अच्छा वो आपने रिकॉर्ड किया था नहीं जी हाँ, तो चलिए आपने मुझसे पूछा था ना इस कमरे में क्या होता है हाँ। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी का एंगल अलग था सीधे मुंह था हाँ लेकिन इसी कुर्सी पे अल्ताफ बुखारी साहब के साथ बैठ के हमने उस कोलेशन का एक खाका खींचा था कौन कौन था यहाँ पे मैं और मेरे वालिद साहब और अल्ताफ बुखारी की सोलह में जब मुफ्ती साहब की डेथ के बाद जब नहीं ना जब अठारह से ने। ने। पहले जब सत्यपाल मलिक साहब का फैक्स मशीन चलना बंद हुआ <laughs> हाँ वो तो हा, वो, आओ वो, वो 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 इस कमरे में वो हुआ था हम अल्ताफ बुखारी साहब को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलके और उनको समर्थन की चिट्ठी दी और समर्थन की चिट्ठी फैक्स के जरिए भेजना चाहते थे राजभवन हाँ लेकिन कुदरती राजभवन का फैक्स मशीन बंद हुआ उस दिन हाँ आपने कहा था कि राजभवन को मैंने फैक्स भेजा फैक्स मशीन खत्म हो गई वहाँ की हाँ वो, वो, वो मुझे लगता है साल में एक दिन वो फैक्स मशीन का वो बटन बंद रहा बाकी समय फैक्स बाकी उस फैक्स मशीन में कोई परेशानी नहीं एक हमारे साथी ने तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना चिट्ठी पहुंचाया राजभवन लोन ने। पहले ये पांच अगस्त से पहले पांच अगस्त को ये हुआ सौ सत्तर की तारीख की उससे दो चार दिन पहले हम सत्यपाल मलिक साहब से मिले लेकिन उसके बाद नहीं सत्यपाल मलिक को हाउ डू फाइन आप जिस आदमी के हाथों पांच अगस्त वो तीन सौ सत्तर का सारा हुआ उसके बारे में मैं कम ही कहूं तो बेहतर है नहीं कहिए क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था वो एक अलग वॉयस लेकर आते हैं बोलते हैं जम्मू कश्मीर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा था मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है और वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बताया गया मुझे एन मोमेंट बताया गया क्या उनको जानकारी नहीं थी अ, मैं मैं मानने के लिए तैयार हूं उनको पता नहीं था दस्खत क्यों किया फिर कोई मजबूरी नहीं थी किसी ने उनके माथे पे बंदूक रख के उनसे दस्तखत नहीं करवाया गवर्नर थे कह देता कि ना मेरे मशवरे के बिना ये हो रहा है मुझसे पूछा नहीं गया मैं कम से कम ये काम नहीं करूँगा हमने जम्मू कश्मीर में वो गवर्नर देखे मैं बीके नेहरू साहब की बात करूँ जिसने इंदिरा गांधी उनके रिश्ते में थी इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीके नेहरू के हाथों मेरे वालिद साहब की हुकूमत को गिराया जाए एटी थ्री में बीके नेहरू ने नहीं माना जी उस बात पे बीके नेहरू साहब को सजा दी गई उनको जम्मू कश्मीर से हटा के कहीं और भेजा गया यहाँ जगमोहन साहब को लाया गया ऐसे गवर्नर देखे हमने जिन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री को इनकार किया कहा मैं ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ मलिक साहब भी कर सकते थे कहते ना मेरे साथ कोई मशवरा ही नहीं हुआ आपने मुझे सुबह ये कागज़ भेजा मैं इसको कैसे दस्खत करूं मैं तो ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ आप किसी और को भेज दीजिए मैं छुट्टी करता हूँ उस, उस दिन नहीं बोल उसका पाएंगे फैक्स बंद ना उस दिन नहीं बोल पाएंगे फैक्स मशीन खराब नहीं। है वही तो फैक्स मशीन खराब था वो जवाब दे नहीं पाए तो दस्खत करके भेज दिया उस दस्खत करने के बाद फैक्स मशीन चला उससे पहले नहीं हाँ लेकिन वही हम बात कर रहे हैं ना कि उनको हुकूमत बनानी थी अब कोई मजबूरी नहीं थी मुफ्ती साहब को 2015 में बीजेपी के साथ जाने की हम तैयार थे उनकी मदद करने के लिए आप तैयार थे हम तैयार थे हमने उनको एक एक ऑफ़र भेजा हमने उन्हें एक एक फॉर्मल ऑफर भेजा कि आप बीजेपी के साथ मत करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बाहर से आपका समर्थन करने के लिए तैयार है हम कुछ नहीं मांगेंगे हमें ना मिनिस्ट्रियाँ चाहिए ना राज्यसभा चाहिए कोई चेयरमैन नहीं चाहिए हम कुछ नहीं मांगेंगे आप सिर्फ़ बीजेपी को बाहर रखिए छः साल हुकूमत करिए कोई आपको छेड़ेगा नहीं नहीं माना अब क्यों नहीं माना वो बाद में जाके पता चला जिस अल्ताफ बुखारी के हवाले से आपने बात की उस सुल्ताफ बुखारी ने खुद एक इंटरव्यू और फिर तकरीर के दौरान कहा कि बीजेपी का रिश्ता पीडीपी के साथ पंद्रह में नहीं बना वो चौदह के इंतख्या से पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी बीजेपी और पीडीपी डी पी की इसलिए मुफ्ती साहब को उनके साथ फिर अलायंस करना पड़ा हम्म तो क्या हुआ मुफ्ती मतलब ये उनकी पार्टी का मसला है आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी पार्टी का मसला है वो जाने लेकिन ए, उसके बाद पीडीपी एकदम भंग हो चुकी है एक इंटरव्यू में तो मैं सुन रहा था तो महबूबा मुफ्ती बोल रही कि हमारे सारे लोगों को तो बीजेपी ने तोड़ दिया हमारे सारे लोगों को इधर एम पी छोड़ के चले गए एम एल ए उनकी पार्टी की काफ़ी बुरी हालत हुई थी उन्नीस के बाद इस साल तक लेकिन कुछ हद तक पी के जरिए वो जिंदा हो गई और आप देखें मैं मान के चल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सियासत में फिर वही हाल दोबारा बनेगा जिसमें कि यहाँ सियासी जो स्पेस की लड़ाई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान होगी ये जो बाकी जो उभर के आए ना बीच बीच में बुखारी साहब वगैरह इनका ज्यादा रोल रहेगा नहीं।, नहीं बुखारी साहब वगैरह जब बोल रहे हैं तो वगैरह में इंजीनियर रशीद भी आते हैं वो भी आते हैं सजाद लोन साहब भी आते हैं एक आद और भी हैं वो भी हैं और अगर इंजीनियर रशीद को लेकर तो बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया मैं आपसे इंटरव्यू देख ही रहा था लेकिन मेरा इंटरव्यू तो मैं भी पूछ ले रहा हूँ <laughs> बोलो तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप अपने स्टैंड पे कायम है इंजीनियर रशीद को लेकर क्या इंजीनियर रशीद को लेकर आप एकदम सटल तरीके से एकदम मतलब जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि शब्दों को थोड़ा सा छुपा के बोलना और आप जैसा बोलते हैं उसका नोशन आता है कि अरे ये तो बीजेपी के रहमोक्रम पे बाहर आए हैं उसका मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के ये निकलता है चलिए अगर लोग वो मतलब निकाले तो मैं कौन होता हूँ उनको करेक्ट करने वाला गाइड हो या ठीक करने वाला तो ठीक नहीं करना है सही है वो सही बात बोल रहा उनकी मर्जी है वो मेरे अल्फाजों को किस तरह ने, लेना चाहते हैं देख रहा यू में कितने लोगों को बेल मिलता है आज हम उन लोगों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी तारीख भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई उमर खाली चार साल से अंदर ही है और और कितनी बार उनका डेट सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था नहीं आ पाया उनको यूएपीए के तहत बेल नहीं मिलता जिन लोगों ने हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर वो स्मोक कैनिस्टर छोड़े थे और नारे लगाए थे उन पे यूएपीए लगा है उनको बेल मिला नहीं मिलता बेल ना यूएपी में जब तक के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तरफ से थोड़ी नरमी ना कोई एनओसी ना आ जाए एनओ या थोड़ी बहुत नरमी उसके बिना नहीं होता है हम लोग अभी एल के बारे में बात कर रहे थे आप नए वाले एल से कितनी बार मिले हैं मनोज सिन्हा जी से शादी में एक बार मिला हूँ एक आध मैं फंक्शनों में जाता नहीं हूँ एक शादी में ज़रूर मिला हूँ उसके अलावा शायद एक बार एयरपोर्ट में लेकिन उसके अलावा नहीं कैसे हैं वो ऐसे पर्सन आपको कैसे लगे मैं ज़्यादा उनसे मिला नहीं हूँ तो मैं अब क्या राय दूँ थोड़े से मतलब हटके रहते हैं हटके रहते हैं हाँ मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो 20-25 मिनट श्रीनगर की सड़कें बंद की जाती हैं इतना तो मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए नहीं देखा जितना मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए देखता हूँ ये आपकी खुशकिस्मती है कि इन दिनों वो ज्यादा घूम नहीं रहे हैं पता नहीं कहाँ बैठे हैं लेकिन अगर आप कभी उनके गाड़ी के काफिले में फंस गए तो 20-25 मिनट आपको एक साइड रख के आपको हिलने नहीं देंगे वहां से जब आप सीएम के तो इतना लंबा कौन वाइज ट्रैफिक लाइटों पे रुकता था अभी भी अभी भी रुकने की कोशिश करता हूँ बीच बीच में लाइटें चलती नहीं है ना यहाँ बिजली का हिसाब खराब है हाँ बिजली बड़ी खराब है क्या स्थिति है अभी तब से बहुत लोग बोल रहे कभी ठीक ही नहीं हुई जम्मू बिजली का निजाम बहुत खराब है लोग ये बोल रहे हैं कि सब यहां पे मिलिटेंसी का इलाज निकल जाएगा कश्मीर का इलाज निकल जाएगा बिजली का इलाज नहीं निकलेगा और ये कश्मीर के नहीं जम्मू के लोग भी जून में मुझसे ही बोल रहे थे बुरा हाल है कभी नहीं निकला सर्दियों में हम रोते हैं गर्मियों में जम्मू वाले रोते हैं तो गर्मी में बढ़ पड़ती है और हम इतना यहाँ बिजली पैदा करते हैं अपनी दरियाओं से लेकिन ज्यादातर वो बाहर चला जाता है हम फिर मजबूर होते हैं उसको खरीदने के लिए और फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं होता चुनाव मैं चुनाव पे आपके कैंडिडेचर के पहले आप कुछ भी बताएं मैं एक पूरा एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं बहुत छोटी सी मुश्किल से तीस सेकंड में उमर अब्दुल्ला पहले बोलते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर उमर अब्दुल्ला चुनाव मैंने ये कहानी पहले भी सुनी है हाँ हाँ बस बस <laughs> <laughs> उमर अब्दुल्ला पहले बोलते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा लड़ूंगा दो सीट से दो सीट से चुनाव मैंने मैंने कहा ये ये रील मैंने कहीं देखा है दो सीट से चुनाव लड़ते हैं फिर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जब चुनाव नहीं लड़ना था तो वो ये कहते थे कि मैं एलजी के सामने चपरासी की पोस्टिंग और ट्रांसफर की फाइल लेके नहीं जाऊंगा मैं उस स्टेट का नहीं रहा हूं उस उस स्टेट में रहा हूं जहां पे सब कुछ हमारे कंट्रोल में था अब उमर अब्दुल्ला ये बोल रहे हैं कि ये जो असम्बली होगी जो आने वाली असेंबली होगी वो अगली हमारी, हमारी पुरानी असम्बली की राह जैसे हम पुरानी असम्बली चलाते थे सब कुछ हमारे कंट्रोल में था वैसे असम्बली की राह बनाएगी तो सवाल यह है इस कहानी के बाद कि आपकी वो राह कैसे तय होगी ना पहले तो मैं सवाल का जो आखिरी हिस्सा उसका जवाब दूंगा हम हमेशा के लिए यूटी नहीं रहेंगे हमें रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा चाहे वो मरकज की मंजूरी से हो या मजबूरी ये इलेक्शन भी कोई उनकी मंजूरी से नहीं की जा रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि 30 सितंबर से पहले पहले यहाँ इलेक्शन हो जाने चाहिए तब जाके यहाँ इलेक्शन मुमकिन हुए इसी तरह रियासत हमें वापस मिल जाए इसके लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री, मंत्री बहुतों तो ने बात की है दो दिन हो गए प्रधानमंत्री को डोडा आए हुए उस तकरीर में भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तो हम मान के चल रहे हैं कि वजीर आजम प्रधानमंत्री साहब लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे वो रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दे देंगे लेकिन अगर कहीं पर कोई रुकावट आई या कोई कोई डिले हुआ तो फिर हम वापस सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलवा देंगे क्योंकि मर्कज ने सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कमिट किया है जब ये तीन का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा था उस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कमिटमेंट आई है कि जम्मू कश्मीर विल बी गिवन फुल स्टेट बैक तो वो छोड़ दें तो चलिए एक हुआ वो जहाँ तक मेरा इलेक्शन ना लड़ने ना लड़ने का इसका तो मैंने बार बार जवाब दिया लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे आ, कई सारे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ व्हाट्सएप और ईमेल और फोन मैसेजेस के जरिए उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कहा जनाब जिस असेंबली को आप नहीं मानते हो उस असेम्बली के लिए आप वोट हमसे कैसे मांगोगे और मेरे पास इस सवाल के लिए जवाब नहीं था मैंने कहा ये ये बिल्कुल सही मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिस असेंबली का मैं खुद हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ उस असेंबली के लिए मैं लोगों से वोट कैसे मांग सकता हूँ तो इलेक्शन अब मैं लड़ रहा हूँ लोगों से इस असेंबली के लिए वोट मांग रहा हूँ इस असेंबली को वोट मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ओके आ, जब आप हम ये कह रहे हैं कि आ, लोगों ने मुझे कहा तो मेरे मेरे बदल में छोटी सी जिज्ञासा है आप सीएम रहे हैं यहाँ के और आप दो तीन बार सांसद रहे हैं आपका नंबर इतना ज्यादा लोगों में फैला हुआ है नंबर आप हैरान होंगे मेरा नंबर कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंचा है कहाँ कहाँ तक पहुंचा है अरे कुछ मत मुझे खुद नहीं पता कहाँ तक पहुंचा है और एक ही नंबर है कि अलग अलग नंबर मेरे दो तीन नंबर है लेकिन अल्लाह के फसल से सारे नंबर मेरे कहीं ना कहीं किसी के पास पहुँच गए हैं मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है आ, जो, के, जो केवल क्लोज ग्रुप के पास केवल मेरे फैमिली के पास हो मुझे अब ऐसा चौथा नंबर लाके कहीं ना कहीं उसको दबाना पड़ेगा कि यही चार पांच लोगों से कोई नहीं अच्छा हम लोग भी फेलियर की बात कर रहे थे आप हाथ ऐसे से कर रहे हैं जल्दी तो नहीं 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 क्योंकि मैं यूजली लगता है ना कभी आदमी नहीं 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 कोई नहीं क्या टाइम हुआ नहीं नहीं आई एम फाइन हाँ हम लोग अभी ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसा कुछ था जो करना बचा रह गया और बार बार हम लोग दृश्य में देखते हैं जो पर्सपेक्टिव है और जिस एक बड़ा हिस्सा बार बार चिंता जाहिर कर रहा है कि करता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ उन और आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि कश्मीरी पंडितों के लिए आ, मुझे जितना करना चाहिए था मैं उतना नहीं कर पाया हाँ लेकिन मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा हमने किया इसलिए मुझे उस बात की भी आ, मतलब अपनी जगह मैं कहूँ तो सेटिस्फैक्शन नहीं कहूँगा लेकिन कम से कम मुझे इस बात का एहसास है कि हमने उनकी वापसी की शुरुआत तो की हमारे दौर हुकूमत में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत की मदद से हमने इनकी वापसी के लिए रास्ते खोले इनको यहाँ नौकरियाँ दी रहने के लिए जगह बनाए और कोशिश की कि ट्रांज़िट एकोमोडेशन से शुरू करके ये मुख्तलिफ इलाक़ों में जाके वहाँ बसना शुरू करें और एक शुरुआत हुई थी बदकिस्मती से पिछले दो तीन साल में जो लगातार कश्मीरी पंडितों को और आउटसाइडर्स को मिलिटेंट्स के ज़रिए निशाना बनाया गया एक डर एक खौफ दोबारा इनमें जो पैदा हुआ वो यहाँ से निकलने का काम शुरू किया इन्होंने वापस चले गए आफ्टर नाइन्टी इट वॉज़ अगेन रिटर्न टू ऑफ दैट सॉट ऑफ एक्सोडस अब आठ अक्टूबर के बाद हुकूमत बनेगी तो जो भी हुकूमत होगी उनको इन्हें वापस लाने के लिए कुछ इकदाम उठाने होंगे कुछ कदम उठाने होंगे एक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनको वापस दिलवानी होगी आप सीएम बनना चाहते हैं फिर से हुकूमत की बात आ गई और आठ अक्टूबर की बात आ गई और 8 अक्टूबर के बाद वही रहेगा सीएम नहीं बनना, जवाँ जवाँ नहीं बनना चाहते चाहते हैं कि नहीं चाहते ये तो बता दीजिए अब इस असेंबली में ना बने अगली असेंबली में बने यार आप कभी ना कभी तो बन ही जाऊंगा अगर ऊपर वाले ने चाहा और लोगों ने वोट दिए लेकिन मतलब अपनी जगह मुझे इस बात का ये भी एहसास है कि मैं एक बार तो कम से कम बन चुका हूँ दोबारा ना भी बना तो कोई बड़ी बात नहीं ठीक है आ, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव पे आता हूँ चुनाव में ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने ये फिर... चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूरी तो है ही है लेकिन ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी हैं दस साल के अरसे के बाद चुनाव हो रहे हैं हमें 2018 के बाद अपनी हुकूमत थी नहीं uh, 2018 के बाद दिल्ली के भेजे हुए नुमाइंदे हमारे ऊपर राज करते आए uh, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अहम है ये चुनाव और क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का एक एक हिस्सा हैं ये जाहिर सी बात है कि हमारे लिए भी अहम है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करना वो एक, एक ज़रूरत एक बनती है एक मजबूरी बनती है कोई इलेक्शन के जरिए अपनी कमजोरी को जो है सामने नहीं लाना चाहेंगी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में है राहुल गांधी को लेकर क्या सोचना है आपका क्योंकि एक जो बहस है जो आपके भी आर्गोमेंट्स रहे हैं कि उन्होंने दो यात्राएं की भारत को एक बार ऐसे और एक बार ऐसे उन्होंने नापा भारत जोड़ो यात्रा और, और भारत न्याय, जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय यात्रा।, न्याय यात्रा। दो यात्राएं की वो आपका आप कह, आप कहना है कई लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी छवि में सुधार किया है कई सारे टैक्स जो उनके प्रतिद्वंदियों ने उन पर लगाए थे वो उनसे पार पाने में सफल रहे हैं आप ये कहते हैं और कई सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी इससे तो निकल गए मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है क्या कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करना आप कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं इलेक्टोरली कैसे देखते हैं मैं थोड़ा सा क्रिटिकल वे में आपको थोड़ा सा खींचना चाहता हूं कि आप उस पर सोचें फ़िलहाल शायद इस सवाल का मैं पूरा जवाब दे नहीं पाऊंगा। वो इसलिए कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ और मेरी ये कोशिश भी है और मेरी ये तमन्ना है कि कांग्रेस का इस इलेक्शन में प्रदर्शन अच्छा रहे हम भी ठीक ठाक कश्मीर से सीटें जीतें और कांग्रेस भी इसी तरह जम्मू में उनका जो है परफॉर्मेंस रहे आ, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का नेट रिज़ल्ट क्या रहता है ये आठ अक्टूबर तक हमें मालूम नहीं होगा और आ, आ, उसके बाद देखते हैं कि इलेक्टोरली क्या है कांग्रेस का क्या नहीं है लेकिन अगर आप नेशनल ओवरऑल नेशनल सीन पर देखें तो आ, दस साल के बाद एक फॉर्मल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो है लोअर हाउस में लोकसभा में कांग्रेस uh, के तरफ से क्योंकि उन्होंने सौ सीटों का जो आंकड़ा पार करना था वो पार कर पाए ये मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलके जो उनका एक जो उनका प्रदर्शन रहा मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क में कोई भी इस चीज़ को uh, मासेवाए अखिलेश जो अपनी जगह बहुत मतलब कॉन्फिडेंट थे uh, किसी और ने शायद ये नतीजे आते हुए नहीं देखे तो इलेक्टोरली कांग्रेस का जो एक जो जो परफॉर्मेंस रही अच्छी रही अगर हम जम्मू की ही बात करें पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में हालांकि बीजेपी दोनों जम्मू और उधमपुर की सीटों पर कामयाब हुए लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा जहां वो पहले तीन लाख से ज़्यादा वोटों से जीतते थे इस बार डेढ़ लाख के आसपास मार्जिन रहा मतलब फिफ्टी कमी आई उनके विक्ट्री के मार्जिन में इसका अगर नतीजा असेंबली इलेक्शंस में भी ठीक रहा तो अच्छी बात होगी हम्म ओके और यहाँ पर इस चर्चा पे आप क्या कहना चाहेंगे जो कश्मीर में हो रही है कि कांग्रेस में उमर अब्दुल्ला में और राहुल गांधी में तो अच्छी बातचीत हुई है और वो प्रिंसिपली एग्री हैं लेकिन लड़ाई यहाँ पे लोकल लीडरशिप के बीच में चल रही है जम्मू कश्मीर की लोकल लीडरशिप बहुत बातों पे एग्री नहीं कर रही है इसलिए बहुत सारी सीटों पे एनसी और कांग्रेस आमने सामने खुद एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस पे कितना इस बार इस चर्चा में कितना इसमें थोड़ी सी सच्चाई तो है ओके क्योंकि अगर इस तरह की बात नहीं होती तो हम कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट नहीं कर रहे होते एक तो बहुत ही फ्रेंडली अनफ्रेंडली है बाकी सीटों पे तो हम मतलब एक दूसरे की खुल की मुखा, खुल के मुखालफत नहीं कर रहे हैं हालांकि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं अगर हमारी लोकल लीडरशिप बिल्कुल एक ही पेज पे होती तो नब्बे के नब्बे सीटों पे हमारा कोई समझौता होता आ, लेकिन नहीं हो पाया चंद सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस ने भी मतलब एक हार्ड लाइन स्टांस लिया और हम भी आ, अपना जो है मौकुफ़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे आ, लेकिन आम तौर पे अगर आप देखें हमारा प्रीपोल अलायंस का कोई सिलसिला खास जम्मू कश्मीर में रहा नहीं है इससे पहले हमने प्रीपोल अलायंस लेट एटीज में किया है तो हमारा कोई मतलब इसका कोई ज्यादा तजुर्बा भी नहीं रहा इस बात के बावजूद कि हमें इस चीज़ की आदत नहीं है नब्बे में से अगर एटी थ्री एटी फोर सीट्स पर हम अग्री कर पाते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है अभी हरियाणा के सीट तय हो रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिन वो तो फेल हो गया वही तो वो कर वो कर नहीं पाए वहाँ पे भी नब्बे सीटें हैं जिस तरह हमारे नब्बे हैं हरियाणा में भी नब्बे हैं वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर नहीं पाए यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम से कम एक सीट शेयरिंग अग्रीमेंट तो कर लिया चलिए कुछ खामियां रही, लेकिन कम से कम हम कंप्लीट तो कर सके नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हिंदू और मतलब हिंदू मतलब मैं जम्मू के साइड की हिंदुओं की बात कर रहा हूँ हिंदू समुदाय की और इस तरफ रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं कश्मीरी पंडितों क्या उनमें अपनी पैठ कितनी बना सका है नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं इस इस असेंबली इलेक्शन uh, के नतीजों से बात कर नहीं सकता हूं क्योंकि फिलहाल नतीजे आए नहीं है लेकिन अगर आप 2014 की बात करें तो उस बार जम्मू के जो हिंदू बेल्ट की सीटें हैं उनमें बीजेपी ने मा सिवाय दो सीटों के सारी सीटों पे कामयाबी हासिल की दो सीटों पे वो हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले तो जम्मू के निचले बेल्ट में ना कांग्रेस का कुछ रहा ना बीएसपी का रहा ना किसी और पार्टी का अगर किसी ने सीटें जीती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका मतलब ये है कि जम्मू के हिंदी बेल्ट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर असूख है ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल भी हमें वहां पसंद नहीं करते इस बार भी हमारी कोशिश है कि कांग्रेस की सीटों को छोड़ के जिन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वहाँ पे भी हम आ, कुछ जीतने की उम्मीद रख रहे हैं ओके okay. चुनाव की बात लगभग लगभग खत्म करते हैं क्या आपका जो 2024 का जो रिजल्ट होने वाला है असेंबली इलेक्शन का क्या आप जान क्या आप ये लग रहा है कि 2019 से जो उपजा हुआ सेंटीमेंट है 2019 के बाद 370 पॉजिटिव 370 उपजा हुआ सेंटीमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस को दो हज़ार चौबी निसपत दो हज़ार चौदह डेंट करेगा अब देखें फिलहाल तो ग्राउंड पे हमें वो दिखा नहीं ग्राउंड पे जो मेरे जो उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्हें जो लोगों के तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है जो लोग हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं जिस तरह का मतलब जिस तरह जोश खरोश देखने को मिल रहा है हम तो एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं अब उन्नीस का क्या असर पड़ेगा वो देखें मुझे ये, नहीं लगते मुझे मैंने कुछ और टाइम दिए हुए घर में ही है। मुझे याद दिलवा रहे हैं कि मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है कोई नहीं मैं अभी खत्म कर लूंगा ठीक 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 थैंक यू कोई नहीं नहीं वो हाँ अच्छा ये बताइए कि आपके बारे में आ, अपने बारे में कई सारी आपकी खबरें उड़ती हैं ठीक है जैसे मैं अब उस हिस्से में आ रहा हूं जहां आप पर इल्जाम लगते हैं एक केस है। इल्जाम क्या लगता है आपका आपको लिस्ट किया था कि ईडी के केस में जे एंड के बैंक का प्रॉपर्टी का कोई केस है क्या है वो केस है? और उमर अब्दुल्ला को नाम क्यों आया उसमें वो आप वो, उनसे पूछ लीजिए जनाब जिन्होंने मेरा नाम डाला उसमें मुझे एक बार पूछताछ के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया मैंने जवाब दिए बस ओके okay. और इसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी आपके सराउंडिंग जिसको लेकर आपको लगता है कि यार ये चिन्ह ये नहीं होना चाहिए था ये बीच सियासत में ये सब रहता है ये बिलो द बेल्ट भी होता है सियासत में रहता है ये सब आ, ये आ, हम कितना भी चाहें कि सारा कुछ जो है बिल्कुल क्लियर कट रहना चाहिए आ, वो नहीं होता है थोड़ा बहुत ये तो महमे का सिलसिला या जो आप बात कर रहे हैं ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल पोलिटिकल लैंडस्केप और रिलीजन और क्या सोचते हैं अब आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को सकते हो जितना भी आप कहें ऑफ चर्च एंड स्टेट नहीं होता रिलीजन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड एंडलिटी खतरे भी तो हैं उमर साहब बट इट इज अ इट्स पार्ट एंड पार्सल कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जमहूरियत है दुनिया में जहाँ पे मजहब का असर नहीं होता मुझे तो कोई ऐसा दिखता नहीं है अमेरिका में जाएं तो प्रेसिडेंट्स को जो है हर संडे को अपने आप को चर्च में अंदर जाते हुए दिखाना पड़ता है, है। क्रिसमस में कोई सेलिब्रेटरी करना हर जमहूरियत में इसका कहीं ना कहीं मज़हब का असर रहता है हमारे मुल्क में इतने अलग अलग मज़हब हैं आ, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ सियासत में मज़हब का असर नहीं होगा रहता है ओके okay. आ... गाना गाते हैं आप ना पिताजी गाते हैं आपके जी आपके डांस करते हुए वीडियो मैंने देखे हैं एक बार दोस्त के बेटे की शादी में पापा और आप हाथ में आपके नहीं नहीं एक वो अच्छा दो वीडियो है तब दो मैंने एक तो, मैंने एक दिखाया जिसमें आप फारूक साहब के साथ आपके आप लोगों ने दोनों वही था वही था अच्छा वो, ही, वो ही ही है वही है गाना ही। नहीं ही। गाते नहीं गाता कोई तो कभी गाते नहीं वरना दीजिए मैंने मैंने इसलिए पहले ही जवाब दिया ना क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कहता आज ही मैं गाता हूँ चलिए फिर गा के सुना इसलिए कहा ना मुझे भी बीस पच्चीस साल हो गए ये करते हुए अच्छा ठीक है तो इंटरव्यू हम थोड़ा सा रैप करने की तरह बढ़ रहे हैं गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या सोचते हैं आप सीनियर लीडर हैं रिलेवेंस है अभी उनका जम्मू कश्मीर में? वो तो इलेक्शन तय इलेक्शन से तय होगा पार्लियामेंट में उनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं आ, उनके उम्मीदवारों की डिपोजिटे है, जो हैं वो जब्त हुए। जब्त हुई बट तुरंत आ, मुझे अप, म, मेरी मुझे मालूम नहीं है कि वजह क्या रही उनकी कांग्रेस को छोड़ने की लेकिन अफसोस ज़रूर होता है क्योंकि कांग्रेस में वो आज सबसे सीनियर लीडरों में आ, गिने जाते आ, उनसे ज्यादा सीनियर मुस्लिम लीडर शायद ही इस मुल्क में कोई है कहाँ कांग्रेस में एक नेशनल लीडर और आज जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अंदर एक रीजनल लीडर यू कॉन्ट इवन कॉल हिम अ पैन जम्मू कश्मीर लीडर अफसोस है आई uh, विश कि वो कांग्रेस में ही रहते और uh, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम uh, जो है वो हैं वो रिप्रेजेंट होते लेकिन नहीं हुआ आप लोग क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश करना चाहते हैं कभी ऐसा किन से गुलाम नबी आजाद से कभी ऐसा कोशिश उन्होंने बीच में ऐसी-ऐसी बातें की कि थोड़ा सा रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई है अब कोई नहीं इलेक्शन की थोड़ी सी ये गर्मी कम हो जाए तो कोशिश करेंगे कि रिश्तों में थोड़ा सा सुधार आ जाए बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए कट लिया गया था वरना लोग कमेंट में लिखते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल काट दिया हाँ, तुमने आपने क्या काटा हां ये होता है अभी तक ना मैंने इनसे कुछ काटने के लिए कहा और ना का ऐसी बात हुई जो कि मुझे लगे नहीं इन्होंने ऐसा कोई कमेंट किया है कि काटना पड़े कि काटना पड़े मतलब ना किसी से कभी कोई इंटरव्यू ना मैंने किसी पत्रकार को पकड़ के रखा ना मैंने इस तरह की कोई बात की और ना मैं कभी इंटरव्यू से उठ के चला गया हूँ कोशिश तो मैंने हमेशा की कि सारे सवाल सवाल जितने भी मुश्किल हों सवालों का जवाब दो और मैं कभी पत्रकारों से पहले सवाल नहीं मांगता हूँ

आ, जो हुआ सो हुआ मेरे जवाब देने से वो वापस नहीं आएंगे ना मेरे जवाब देने से वो मुकदमा फिर खुलेगा आ, उस वक्त के हुक्मरान ने फैसले लिए वो फैसले लागू हुए उन फैसलों में मेरा कोई हाथ नहीं था आ, ना उनकी गिरफ्तारी में ना उनके वारंट में ना किसी चीज़ में अब जैसे हु, जो हुआ सो हुआ मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ रहने दीजिए आई सी एट वन फोर देखे कैसी लगी अच्छा था खामखा उस बात का बसंगठ बनाया गया जब अदवानी जी ने पार्लियामेंट में उन लोगों के नाम दोहराए तब तो किसी को बुरा नहीं लगा क्योंकि नाम जो उन्होंने आईसी एट वन फोर के शो में दिखाए जो हाई जैकर्स ने इस्तेमाल किए वो वही नाम थे जो उन्होंने असल असल में इस्तेमाल किए थे लेकिन इन दिनों में आ, सोशल मीडिया के जरिए इन चीज़ों की ज़्यादा रिएक्शन होती है आपके पिताजी को भी बड़े पैसिव तरीके से दिखाया गया है हाँ उनको ना उनका नाम लिया तो चेहरा तो दिखाया नहीं पीछे से मतलब ऐसे कुछ टोपी, टोपी हुए तो, तो हाँ। एक नोशन से दिखा से दिखा चला कि वो हैं कौन हाँ। हाँ। लेकिन हकीकत है मतलब तो वो साहब ने भी क्योंकि वो रॉ के उस वक्त चीफ रहे उन्होंने भी कहा कि फारूक साहब उस वक्त मना कर दिया था मना कर रहे थे वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे दूसरी बार इससे पहले जब रुबैया का किडनेपिंग हुआ बिल्कुल यही हाल रहे और उसी वक्त आप उसमें मुंबई में थे ना जब रुबैया उस वक्त मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था मुंबई में और ये फिर एक इसी बाइनरी पे जब बात होती है मैम आखिरी सवाल आ, आने वाला है वो आपकी आपकी फिल्म एक्टिंग से जुड़ा हुआ है मिशन इस, इस्तांबुल इस्तांबुल में आपने आ, काम आ, किया है मैं आ जाऊंगा उस पे <laughs> लेकिन एक आ, अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पे सवाल उठते हैं कि उन्होंने आतंकियों को छोड़ा फिर कांग्रेस ने भी गुडविल जेस्चर में साल 2009-10 में कई सारे आतंकवादियों को छोड़ा कहां Uh, साल 2009-10 में एक खबर है इकनॉमिक टाइम्स की मैं कुछ दिनों पहले पढ़ा अच्छा था। मैंने देखा नहीं वो गुडविल जैसे मैं कुछ छोड़ा उसमें से नहीं, एक... नहीं, वो फ़र्क है ना अब आप अपने जहाज में भेज बैठा के उनको कंधाहार पहुंचाओ इन एक्सचेंज देर अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजिंग ऑन गुडविल हम भी छोड़ छोड़ा करते थे उन लोगों को जिनका आधे से ज्यादा टाइम मुकम्मल हुआ हो या जिनके खिलाफ केसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो बीच बीच में तो ये हर तरफ से होता है लेकिन हॉस्टेज uh, की रिहाई के लिए छोड़ना दैट्स अ डिफरेंट थिंग चाहे वो रुबैया सैयद हो चाहे वो आई सी एट वन फोर हो uh, बीजेपी इसलिए इस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहती क्योंकि वो बीजेपी की सरकार थी वो बीजेपी के मिनिस्टर थे जिन्होंने उस वक्त उनको अपने जहाज़ में बिठा के कंदहार पहुँचाया और uh, उसका कितना हमें खमियाजा भुगतना पड़ा वो तो हमें आज भी मालूम है फिल्म पर आपने काम किया है जी एक और उसके बाद कभी नहीं क्यों कैसे हुआ हुआ वो मेरे स्कूल में पूर्वा लाखिया मेरे स्कूल में सीनियर थे अच्छा हाँ हाँ मेरे सीनियर थे तो उन्होंने सीनियर की हैसियत से मुझे कहा और सीनियरों का कभी स्कूल में आ, किसी बात को टाला नहीं जाता तो हुँ. उन्होंने हाँ कहा उन्होंने कहा तो मैंने मान लिया हुँ. किया अपना ही रोल निभाया हाँ एक बार और फिर कभी नहीं आगे करेंगे बिल्कुल नहीं ना कोई गुंजाइश ही नहीं और ये वो इलेक्शन वाली गुंजाइश नहीं आ, ये मतलब ये वो मतलब पक्की बात मैंने मुझे कोई शौक़ नहीं है शौक़ होता तो जाके कर लेता मैं बम्बई में पढ़ रहा था तीन साल बम्बई चर्च गेट से फिल्म सिटी तक पहुँचना कितना मुश्किल है लोकल ट्रेन में चढ़ो तो एक आध घंटे में आप पहुंच ही जाओगे तो क्लीन शेव एकदम माशाल्लाह लगते हाँ तो मैं जाके ट्राई मार लेता मुझे ट्राई मारने की कोई शौक नहीं सैफ से, अली खान साहब मेरे स्कूल से निकल मतलब शुरू उन्होंने पढ़ाई शुरू की फिर विलायत गए हाँ। चाहता तो उन्हीं का सहारा लेके उन्हीं की मदद लेके मैं भी थोड़ा कोशिश वोशिश करता लेकिन कोई शौक नहीं बातचीत करके बहुत मजा आया चले नाम फिर कभी पक्का चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं तो ये बातचीत थी फिल्म अभिनेता और ना गाना ना गाने वाले लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के साथ आप लल्लन टॉप पे बातचीत देख रहे थे कैमरे के पीछे हैं अमितेश मैं हूं सिद्धांत बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू